So hello everyone. So this is CS Anidya Saraf, and now we are starting with yet another standard, that is SA240, auditor's responsibilities in relation to fraud in an audit of financial statement. तो भाई ये जो स्टैंडर्ड है ना ऐसा 240 नाम का उल्टा ही रिवर्स कर दो तो क्या है ये 420, और 420 का मतलब क्या होता है फ्रॉड. तो ऐसे 240 दैट इज फ्रॉड. ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू फ्रॉड्स इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मार्क इट वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. राइट, मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन पक्का आपको इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से मिलने ही वाला है, मतलब 200% मिलने वाला है. तो मार्क इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. तो सबसे पहले स्टैंडर्ड का नाम क्या है सर? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और स्टैंडर्ड का नंबर क्या है? एसए 240. ठीक है, अब देखना अगर हम फ्रॉड की बात करें, तो ऐसे 240 के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जो अपने दिमाग में आनी चाहिए? आप बताओ मुझे कि सर अगर हम फ्रॉड की बात करें तो ऐसे 240 के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जो अपने दिमाग में आनी चाहिए? सर मैं बताऊंगा ऐसे 240 के अलावा सर 143 सबसेक्शन 12. बिल्कुल सही बोला आपने, 143 सबसेक्शन 12. सर और क्या आएगा? सर कारो 2020, क्लॉज 11 ऑफ कारो 2020. बिल्कुल सही बोला आपने, तो क्लॉज 11 ऑफ कारो 20 भी आ जाएगा, 143 सबसेक्शन 12 आ जाएगा, एंड ऐसे 240 तो है ही. ठीक है ना, तो जब अपन फ्रॉड की बात करें तो ये सारी चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए. अब ये जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है दैट इज ऐसे 240, दैट इज टॉकिंग अबाउट फ्रॉड्स. इस स्टैंडर्ड को ना मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इस पूरे टॉपिक को मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. आप स्टैंडर्ड्स का सिक्वेंसिंग देखोगे ना तो बहुत मगर्ड अप है, बहुत जिंगर्ड अप है, कंफ्यूज कर रहा बेकार में. लेकिन जो सिक्वेंसिंग मैंने तुमको दी है बड़ा ही प्यारा सिक्वेंस है, एंड मजा आएगा उस सिक्वेंस के साथ तुमको तैयारी करने में. ठीक है, दैट इज मैंने पूरे स्टैंडर्ड को दो भागों में डिवाइड किया है. पहला पार्ट वन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड कैसे होता है, फ्रॉड कौन करता है, मतलब फ्रॉड के बारे में सारी बेसिक बातें ये डिस्कस कर लेंगे. और पार्ट टू में आएंगे हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एज ऑडिटर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इन रिलेशन टू फ्रॉड. तो पार्ट वन में फ्रॉड के बारे में सारी बेसिक समझेंगे, फ्रॉड होता क्या है, कौन करता है, कैसे करता है ना, ये सारी चीजें. और पार्ट टू की बात करें तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो एकदम लॉजिकल वे में आप देखोगे कि आपका स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया, एकदम लॉजिकल वे में आप देखोगे कि आपका स्टैंडर्ड एकदम स्मूथली कंप्लीट हो गया, मतलब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई. ठीक है, तो मजा आने वाला है. ठीक है, तो देखना कुछ बेसिक चीजें जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं, डिस्कस कर रहे हैं अपन, एकदम बेसिक बातें हैं, आप सुनते रहोगे साथ साथ नोट डाउन करते रहोगे. ठीक है, सबसे पहले सर अगर हम फ्रॉड की बात कर रहे हैं तो फ्रॉड होता क्या है, व्हाट इज फ्रॉड. तो फ्रॉड का सिंपल मतलब होता है डिसेप्शन. फ्रॉड का सिंपल मतलब क्या होता है सर? डिसेप्शन. और डिसेप्शन का मतलब क्या होता है सर? हिंदी में धोखा. डिसेप्शन का मतलब क्या हो गया? धोखा. तो फ्रॉड का मतलब होता है इंटेंशनल यूज ऑफ डिसेप्शन. फ्रॉड का मतलब होता है सर इंटेंशनल यूज ऑफ डिसेप्शन, यानी जानबूझ के जब आपको कोई धोखा दे रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉड बोलते हैं. यहां पे मेन शब्द क्या है? इंटेंशनल यूज. क्योंकि अगर वो नॉन इंटेंशनल होगा तो कभी वो फ्रॉड नहीं होगा, तब जाके वहां पे वो एरर होगा, वो फ्रॉड नहीं होगा. ठीक है ना, तो मेन चीज होती है इंटेंशन. तो इंटेंशनल यूज ऑफ डिसेप्शन इज कॉल्ड ए फ्रॉड. अब सर ये फ्रॉड कर कौन रहा है, कंपनी के टैक्स में फ्रॉड कर कौन रहा है? तो अगर हम बात करें सर, या तो हो सकता है कि मैनेजमेंट फ्रॉड कर रही है. अब ऑब्वियसली यार मैनेजमेंट कोई चलता फिरता बॉडी तो है नहीं कि मैनेजमेंट खुद फ्रॉड करेगा. तो मैनेजमेंट के अंदर कोई एक या दो प्राणी ऐसे हैं, इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, या फिर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के अंदर कोई एक या दो प्राणी ऐसे हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, या फिर कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं, या फिर मे बी सम थर्ड पार्टी कंपनी के साथ फ्रॉड कर रही है. मे बी कंपनी कोई थर्ड पार्टी क्या कर रही है सर? कंपनी के साथ फ्रॉड कर रही है. तो या तो कंपनी के अंदर से फ्रॉड हो रहा है. फ्रॉड कौन करेगा सर? मैनेजमेंट के एक या दो लोग, या फिर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के अंदर के एक या दो लोग, या कंपनी के एम्प्लॉइज, या फिर मे बी थर्ड पार्टी क्या कर रही है सर? कंपनी के साथ फ्रॉड कर रही है. ओके सर. और फ्रॉड का मतलब क्या बताया था मैंने? इंटेंशनल यूज ऑफ डिसेप्शन. अब फ्रॉड क्यों हो रहा है, फ्रॉड करने की वजह क्या है? तो भाई फ्रॉड करने का ना एक ही वजह होता है कि या तो कोई अनजस्ट एडवांटेज एक्वायर करना है या इलीगल एडवांटेज एक्वायर करना है. आई वॉन्ट टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज. क्या मतलब होता है सर?
आई वॉन्ट टू अपटेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज. मतलब मैं अपने आपको एक ऐसा फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं जो फायदा मैं डिजर्व नहीं करता. मैं अपने आपको एक अनड्यू एडवांटेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि इलीगल है, जो कि अनजस्ट है. मतलब जो फायदा मैं अपने आपको पहुंचा रहा हूं ना, उसकी वजह से सामने किसी और को लॉस हो रहा है, किसी और का नुकसान हो रहा है. तो मुझे फायदा हो रहा है, किसी और का नुकसान हो रहा है. फ्रॉड में ना दो मंशा होता है, दो इंटेंशन होता है. या तो सामने वाले को लॉस पहुंचाना है जो वो डिजर्व नहीं करता, या खुद को फायदा पहुंचाना है जो मैं डिजर्व नहीं करता. क्या बोला मैंने? दो मंशा होता है. या तो सामने वाले को लॉस पहुंचाना है जो वो डिजर्व नहीं करता, या तो खुद को फायदा पहुंचाना है जो मैं खुद डिजर्व नहीं करता. तो फ्रॉड क्या क्यों हो रहा है? टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट है फ्रॉड का बहुत प्यार से बन जाता है. तो फ्रॉड क्या है? फ्रॉड इज समथिंग दैट इज कमिटेड बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स अमंग द मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस और द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी और थर्ड पार्टीज विद एन इंटेंशनल यूज ऑफ डिसेप्शन, विद एन इंटेंशनल यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज. टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज. ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है. अब अगर हम बात करें तो फ्रॉड के टाइप्स क्या होते हैं? तो फ्रॉड कहना यहां पर दो टाइप्स है. फ्रॉड के यहाँ पे दो टाइप्स हैं. एक होता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और दूसरा होता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स. पहले क्या बोला मैंने? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और दूसरा होता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स. अब देखना सर, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इसका मतलब सर पूरे के पूरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को मैनिपुलेट करना. फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब एक ऐसा प्रकार का फ्रॉड जिसमें पूरा का पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही क्या है? फ्रॉडुलेंट है. और दूसरा होता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, मतलब एसेट्स की चोरी. ठीक है ना, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स मतलब एसेट्स की चोरी. तो फ्रॉड ब्रॉडली यही दो टाइप्स के होते हैं, या तो होता है वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या तो होता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स. नाउ थिंक समथिंग वेरी वेरी लॉजिकली. फ्रॉड कौन कर रहा था सर? या तो कंपनी का मैनेजमेंट कर रहा था, दो साल गवर्नेंस कर रहा था, या कंपनी के एम्प्लॉयज कर रहे थे, या कोई थर्ड पार्टी कंपनी के साथ कर रही थी. तो थर्ड पार्टी कंपनी के साथ कर रही थी उस चीज को छोड़ दो, अब कंपनी के अंदर के फ्रॉड्स की बात करो. तो फ्रॉड कौन कर रहा था? या तो मैनेजमेंट कर रही थी, या तो कंपनी के एम्प्लॉयज कर रहे थे. या तो मैनेजमेंट और दो साल गवर्नेंस कर रही थी, या कंपनी के एम्प्लॉयज कर रहे थे. अब मैंने बोला फ्रॉड दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से फ्रॉड, दूसरा होता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की वजह से फ्रॉड. ठीक है, अब लॉजिकली सोचना. फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब होता है सर पूरा का पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉडुलेंट है. मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया गया है वही क्या है? मैनिपुलेटेड है. पूरा का पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है सर? फ्रॉडुलेंट है. मतलब विंडो ड्रेसिंग वह है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए. क्या हुआ सर? विंडो ड्रेसिंग वह है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए. या तो प्रॉफिट जरूरत से बहुत ज्यादा दिखाया गया है, या तो प्रॉफिटेबिलिटी को जरूरत से बहुत कम दिखाया गया है. या तो प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज्यादा दिखा दिया, या तो प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत कम दिखा दिया. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट किया गया है. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मैनिपुलेटेड विद ए व्यू टू विंडो ड्रेसिंग. ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. उसको बोलते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. सर ऐसा क्यों करेंगे सर? क्यों प्रॉफिट को ज्यादा दिखाएंगे सर? या क्यों प्रॉफिट को कम दिखाएंगे सर? उससे क्या फायदा होगा? तो भाई ऑब्जेक्टिव तो फ्रॉड का सिंपल होता है, टू ऑब्टेन ए अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज. तो भाई हो सकता है मैं फ्रॉड को इसलिए ज्यादा दिखाना, इसलिए कम दिखाना चाहता हूं मैं प्रॉफिट को, क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं देना है ना. तो मेरी कंपनी क्या करना चाहती है सर? टैक्सेस डिबेट करना चाहती है. मेरी कंपनी क्या करना चाहती है? टैक्सेस डिबेट करना चाहती है. मेरी कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करनी, तो दैट इज वाई वो क्या कर रही है? प्रॉफिटेबिलिटी कम दिखा रही है. और सर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा क्यों दिखाएगा कंपनी? तो यार कंपनी अपना मार्केट में ना पोजिशन अच्छा दिखाना चाहता है. कंपनी ये दिखाना चाहता है कि देखो यार हम इतना कितना अच्छा कर रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग सो वेल. तो कंपनी जो है मार्केट में गुड सिग्नल सेंड करना चाहता है, अच्छे सिग्नल सेंड करना चाहता है कि हमारी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, ताकि और फंड्स आए कंपनी में, ताकि ज्यादा लोग पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करें. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सर कंपनी के जो डायरेक्टर्स है ना उनका सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है. कंपनी के जो डायरेक्टर्स है उनका सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है. एज पर कंपनी लॉ द मैनेजर रेमुनरेशन इज कनेक्टेड विद प्रॉफिट. ठीक है ना, तो कंपनी लॉ के हिसाब से जो मैनेजर रेमुनरेशन होता है वो प्रॉफिट से कनेक्टेड होता है. मैनेजर रेमुनरेशन इज बेस्ड ऑन ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स. तो अकॉर्डिंगली डायरेक्टर्स में थिंक किया जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना अपना रेमुनरेशन होगा. तो अलग अलग लॉजिक्स हो सकते हैं यार प्रॉफिट्स को ज्यादा दिखाने के, प्रॉफिट्स को कम दिखाने के. तो किसी उद्देश्य के साथ, किसी ऑब्जेक्टिव के साथ टू ऑब्टेन एन अनजस्ट एडवांटेज और इलीगल एडवांटेज क्या हो रहा है सर? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रहा है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स हो रहा है, प्रॉफिट्स को अंडरस्टेट किया जा रहा है, ओवरस्टेट किया जा रहा है. तो नॉर्मली ये काम कौन करेगा? नॉर्मली ये काम मैनेजमेंट करेगा. नॉर्मली ये काम मैनेजमेंट करेगा. एम्प्लॉइज के बस की चीज नहीं है ये. नॉर्मली ये काम मैनेजमेंट करेगा, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस करेगा. और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की बात करें तो यानी कि एसेट्स की चोरी. ये जो काम है ना ये एम्प्लॉय लेवल में हो सकता है.
बिकॉज मैनेजमेंट जो है ना नॉर्मली ये छोटे लेवल के फ्रॉड नहीं करता, वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता है. तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स इज समथिंग कि यस द एम्प्लॉय माइट डू इट. और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की बात करें तो ये भी दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है. एक होता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स और एक होता है डिफल्केशन ऑफ कैश. एक होता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स और एक होता है डिफल्केशन ऑफ कैश, मतलब कैश की हेरा फेरी, कैश की हेरा फेरी. ठीक है, तो फ्रॉड के टाइप्स कितने हैं सर? फ्रॉड्स के टाइप दो हैं, एक है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स. फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सिंपल मतलब क्या हो गया सर? मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स एंड द ऑब्जेक्टिव मे बी टू ओवरस्टेट द प्रॉफिट्स और टू अंडरस्टेट द प्रॉफिट्स टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज. क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है सर ओवरस्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स का? कि सर अपने को प्रॉफिट्स क्यों ज्यादा दिखाना है, अपने को मार्केट में पॉजिटिव सिग्नल सेंड करने हैं, अपने को और फंड्स चाहिए, अपने को और इन्वेस्टमेंट चाहिए, अपने को मार्केट में अच्छा सेंटिमेंट बना के रखना है कंपनी का, तो इसलिए अपन ओवरस्टेट कर रहे हैं कंपनी प्रॉफिट्स को. कंपनी के डायरेक्टर्स को ज्यादा रेम्यूनरेशन रिसीव करना है इसलिए वो क्या कर रहे हैं? ओवरस्टेट कर रहे हैं प्रॉफिट को. ठीक है, अंडरस्टेट क्यों किया जा रहा है सर? मे बी दे वांट टू विथहोल्ड द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, मे बी दे डोंट वांट टू डिक्लेयर बोनसेस, मे बी दे वांट टू इवेड द टैक्सेस, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं सर? अंडरस्टेट कर रहे हैं प्रॉफिट्स को. तो अलग अलग वजह हो सकती है. तो नॉर्मली ये काम कौन करेगा सर? मैनेजमेंट करेगा, क्योंकि यार एम्प्लॉय के बस की बात नहीं है कि वो पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करते, मैनिपुलेट करते. वो काम तो सिर्फ मैनेजमेंट ही कर सकता है जिसके पास इंटरनल कंट्रोल्स को वायलेट करने के पार्स हो, क्योंकि कंट्रोल्स बनाए होंगे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर. तो एम्प्लॉयज के पास तो वो पावर ही नहीं रहेगा कि वो लोग क्या कर सके, कंट्रोल्स को पेनिट्रेट कर सके. वो पावर तो किसके पास रहने वाला है? खाली मैनेजमेंट के पास रहने वाला है. और एम्प्लॉय क्या कर सकेगा? वो तो ये छोटी मोटी चोरियां कर सकेगा, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कर सकेगा, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स कर सकेगा, डिफल्केशन ऑफ कैश कर सकेगा. ओके सर, तो अब देखना एक चीज मुझे बताना, लॉजिकली बताना, जो फ्रॉड मैनेजमेंट ने किया वो ज्यादा रिस्की है या जो फ्रॉड एम्प्लॉय ने किया? और किस फ्रॉड को पकड़ना ज्यादा मुश्किल है? जो फ्रॉड मैनेजमेंट ने किया उस फ्रॉड को पकड़ना ज्यादा मुश्किल है या फ्रॉड जिसको मैनेजमेंट ने किया? तो सर एम्प्लॉय जो फ्रॉड करेगा ना कहीं जो एम्प्लॉय फ्रॉड करेगा वो छोटी मोटी चोरियां करेगा, और एम्प्लॉय के पास वो पावर नहीं है कि वो कंट्रोल्स को ओवरराइड कर जाए. लेकिन मैनेजमेंट के पास उतना पावर है कि वो कंट्रोल्स को ओवरराइड कर जाए. मैनेजमेंट के पास इतना पावर है कि वो पेनिट्रेट कर सकती है कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को. सो दैट इज व्हाई जो फ्रॉड मैनेजमेंट करता है ना वो बहुत ज्यादा रिस्की है एज कंपेयर टू द फ्रॉड डन बाय द एम्प्लॉयज. और इसका कारण क्या है सर? एज मैनेजमेंट इज इन अ यूनिक पोजिशन टू मैनिपुलेट अकाउंट्स, एज मैनेजमेंट इज इन अ यूनिक पोजिशन टू मैनिपुलेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और ओवरराइड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. एज मैनेजमेंट इज इन अ यूनिक पोजिशन टू मैनिपुलेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और ओवरराइड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, एक लास्ट टॉपिक, उसके बाद अपन बुक से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं. तो सर फ्रॉड का मतलब समझ में आ गया, फ्रॉड क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें समझ में आ गई. अब कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं ना कि यार अगर वो इंडिकेटर अपने को दिखाई देगा ना तो सॉलिड चांसेस है कि कंपनी में फ्रॉड हुआ है. तो कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स होता है कि यार अगर वो इंडिकेटर अपने को दिखाई देगा, अगर वो रिस्क फैक्टर अपने को दिखाई देगा तो सॉलिड चांसेस है कि ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड हुआ है. और कुल मिलाकर 3 फ्रॉड रिस्क फैक्टर होता है. ये जो टॉपिक है तुम समझ सकते हो, इस चैप्टर की आन बान और शान है. कुल मिलाकर 3 फ्रॉड रिस्क फैक्टर होता है सर. एक होता है पहला इंसेंटिव ऑब्लिक प्रेशर. क्या होता है? इंसेंटिव ऑब्लिक प्रेशर. दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी, और तीसरा होता है एटीट्यूड ऑब्लिक रैशनलाइजेशन. प्लीज ध्यान से सुनिएगा, कुल मिलाकर 3 फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स होते हैं. मतलब ये वो इंडिकेटर्स है जो इशारा करती है कि ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड एग्जिस्ट करती है, ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड के होने की संभावना है. तो कुल मिलाकर 3 फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है. एक है इंसेंटिव ऑब्लिक प्रेशर, दूसरा है अपॉर्चुनिटी, एंड तीसरा है एटीट्यूड ऑब्लिक रैशनलाइजेशन. इफ आई टॉक अबाउट इंसेंटिव ऑब्लिक प्रेशर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया सर? कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के पास या एम्प्लॉय के पास कोई इंसेंटिव है फ्रॉड करने का. या प्रेशर की बात करें तो दे आर अंडर सम काइंड ऑफ ट्रेमेंडस प्रेशर टू डू फ्रॉड्स. ये होता है इंसेंटिव ऑब्लिक प्रेशर. अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हो गया सर? आप सामने वाले को चोरी करने का मौका दे रहे हो. आप क्या कर रहे हो? सामने वाले को फ्रॉड करने का मौका दे रहे हो. उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने की. तो अगर अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने की तो भैया दैट इज गोइंग टू बी अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर कि आप सामने से क्या दे रहे हो सर? मौका दे रहे हो चोरी करने का. एंड तीसरा होता है एटीट्यूड ऑब्लिक रैशनलाइजेशन, कि सामने वाले का एटीट्यूड क्या है, रवैया क्या है फ्रॉड के प्रति.
सामने वाले का एटीट्यूड क्या है, रवैया क्या है फ्रॉड के प्रति। सामने वाला फ्रॉड को फ्रॉड मानता ही नहीं है, सामने वाला फ्रॉड को भी क्या करता है, रैशनलाइज करता है, वो फ्रॉड को भी जस्टिफाई करता है। तो यार वो भी एक फ्रॉड फैक्टर है कि सामने वाला फ्रॉड को फ्रॉड मानता ही नहीं है, वो तो उसको भी क्या करता है, जस्टिफाई करता है, तो वो भी एक फ्रॉड फैक्टर है। तो कुल मिलाकर ना तीन फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हैं, एक होता है इंसेंटिव ऑब्लिक प्रेशर, दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी एंड तीसरा इज एटीट्यूड ऑब्लिक रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो पहला क्या हो गया सर, इंसेंटिव ऑब्लिक प्रेशर। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, यहां पे कहीं ना कहीं कुछ दबाव है, कहीं ना कहीं कुछ दबाव है, मैनेजमेंट प्रेशर में है, मैनेजमेंट दबाव में है टू अचीव अनरियलिस्टिक टारगेट्स। मैनेजमेंट किसी प्रेशर में है, किसी दबाव में है टू अचीव अनरियलिस्टिक टारगेट्स। ठीक है, कोई भी प्रेशर हो सकता है यार, कोई भी दबाव हो सकता है कि यार अगर इतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखाया तो अपना लिस्टिंग नहीं होगा स्टॉक एक्सचेंज में, या अगर इतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखाया तो अपना मर्जर्स नहीं होगा, या इतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखाया तो वो इन्वेस्टर्स अपना पैसा खींच लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। तो कुछ प्रेशर हो सकता है टू अचीव अनरियलिस्टिक टारगेट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट मीटिंग टारगेट्स में भी इनसिग्निफिकेंट, और अगर हम वो टारगेट अचीव ना करें तो वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत घातक होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। या फिर कोई इंसेंटिव हो सकता है, इंसेंटिव किस चीज का, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स का, कुछ इंसेंटिव हो सकता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स का। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके पास क्या इंसेंटिव होगा एसेट को चुराने का, कि यार पता चला कि खुद का फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा है, सैलरी बहुत कम है। ठीक है ना, तो वहां पर देयर माइट बी एन इंसेंटिव फॉर देम कि चलो यार थोड़ा बहुत एसेट चुरा लेते हैं। तो एक होता है इंसेंटिव पब्लिक प्रेशर, दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हो गया कि सर आप सामने वाले को मौका दे रहे हो, कोई ऐसा फैक्टर एग्जिस्ट करता है कि आप सामने वाले को मौका दे रहे हो फ्रॉड करने का, चोरी करने का। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी वीक है और आसानी से उसको ओवरराइड किया जा सकता है। तो जैसे ही हम ये देखते हैं कि यार इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है और उसको आसानी से ओवरराइड किया जा सकता है, तो वो एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर बन जाएगा, वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगा कि मैनेजमेंट या एम्प्लॉइज आराम से क्या कर सकते हैं, वहां पर फ्रॉड कर सकते हैं। प्लस कंट्रोल में जो जो डेफिशिएंसीज है, कंट्रोल में जहां जो जो कमियां हैं, किसी बंदे को सारी डेफिशिएंसीज का एग्जैक्ट पता है कि कहां कहां क्या डेफिशिएंसी है, कहां क्या कमी है। अगर सीसीटीवी कैमरा कुछ काम नहीं कर रहा तो कुछ लोगों को एग्जैक्टली पता है कि कहां कौन से एरिया का सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा। अगर मेटल टैग डिटेक्टर्स नहीं लगा हुआ तो कुछ एम्प्लॉइज को एग्जैक्टली पता है कि कहां कौन कौन से एरिया में, कौन कौन से टिश्यू, कौन कौन से चीजों में, कौन कौन से आर्टिकल्स में मेटल टैग डिटेक्टर नहीं लगा हुआ। तो अगर कंट्रोल में डेफिशिएंसी है और सामने वाले को एग्जैक्टली पता है कि कंट्रोल में कहां कहां डेफिशिएंसी है, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो आराम से फ्रॉड करके निकल सकता है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। और तीसरा होता है एटीट्यूड, तीसरा होता है एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन। यार ये तो गजब की चीज है, मतलब एक तो मैं फ्रॉड कर रहा हूं और मेरे अंदर कोई गिल्ट है ही नहीं, मैं तो उस चीज को रैशनलाइज कर रहा हूं, जस्टिफाई कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं क्या हो गया यार, मान लो मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉई हूं और मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि मैं रैशनलाइज कर रहा हूं, अरे यार इतनी बड़ी कंपनी है यार, इतना पैसा कमाते हैं ये लोग, मैं 10 लाख की चोरी कर लूं तो क्या हो जाएगा भाई, मुझे ऐसे गरीब का भला हो जाएगा। तो मेरा एटीट्यूड ऐसा है, मेरा सेट ऑफ एथिकल वैल्यूज ऐसा है कि मैं अपने एक्ट को क्या कर रहा हूं, रैशनलाइज कर रहा हूं। कंपनी के जो डायरेक्टर्स है उनका क्या कहना है, उनका क्या एटीट्यूड है। अरे गवर्नमेंट के पास तो बहुत पैसा है, 10 लाख की टैक्स की चोरी कर ली तो कर ली, क्या ही फर्क पड़ जाना है। तो उनका सेट ऑफ एथिकल वैल्यूज ही ऐसा है, करेक्टर ही ऐसा है कि वो लोग रैशनलाइज कर रहे हैं अपने बिहेवियर को। दैट अलाउज इंडिविजुअल्स टू इंटेंशनली कमिट फ्रॉड, दैट अलाउज इंडिविजुअल्स टू इंटेंशनली कमिट फ्रॉड। ठीक है ना, तो उसका एटीट्यूड ही ऐसा है, उसका वो रैशनलाइज कर रहा है अपने एक्ट को। तो कुल मिलाकर तीन फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स होते हैं, पहला होता है इंसेंटिव ऑब्लिक प्रेशर, दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी और तीसरा इज एटीट्यूड ऑब्लिक रैशनलाइजेशन। इस स्टैंडर्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। आप देखोगे फ्रॉड के दो कैटेगरीज थे, एक था फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक था मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। तो आप देखोगे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तीन फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आपको दिखाई देगा, इंसेंटिव ऑब्लिक प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड, और तीनों के अंदर अलग अलग पॉइंट्स होंगे। और आप देखोगे कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स के अंदर फिर से तीन फ्रॉड रिस्क फैक्टर दिखाई देगा, इंसेंटिव पब्लिक प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड, और उसके अंदर भी अलग अलग पॉइंट्स होंगे। ठीक है, और आपसे एग्जाम में कोई भी पॉइंट पूछ लिया जाएगा, कोई भी स्पेसिफिक इंस्टेंस पूछ लिया जाएगा कि बताओ भैया ये फ्रॉड कौन सा है, तुमको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है या फिर ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स है। एक बार तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद तुमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये फ्रॉड, ये जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, ये इंसेंटिव पब्लिक प्रेशर वाले कैटेगरी में आएगा, ये अपॉर्चुनिटी वाले कैटेगरी में जाएगा, या फिर ये एटीट्यूड वाले कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो सुनने में बहुत आसान लग रहा है बट उतना आसान है नहीं। तुम सोच के देखो,
फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके अंदर तुम देखोगे तीन कैटेगरीज, इंसेंटिव पब्लिक प्रेशर, उसमें भर भर के पॉइंट भरा है, भर भर के पॉइंट डाला है, फिर अपॉर्चुनिटी उसके अंदर पॉइंट्स, फिर एटीट्यूड उसके अंदर पॉइंट, फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, वापस तीन कैटेगरी सबके अंदर पॉइंट। और कोई भी एग्जाम्पल वो तुमसे पूछ लेगा वहां से, और तुमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तुमको एक्जैक्टली पता होना पड़ेगा कि वो कौन से कैटेगरी में जाने वाला है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जाएगा या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में जाएगा। और अगर करेक्ट कैटेगरी फिट कर ली, चूज कर ली, तो उसके बाद तुमको ये भी पता होना चाहिए कि वो इंसेंटिव वाले हेडिंग में आएगा या अपॉर्चुनिटी वाले में या एटीट्यूड वाले में। तो तुम देखोगे कुछ पॉइंट्स तो ऐसे होंगे कि रीड करते ही तुम एकदम फिगर आउट कर सकते हो कौन से कैटेगरी में जाएगा, कहां जाएगा। और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे कि यार तुमको लगेगा जबरदस्ती आईसीएन ने भर दिया वहां पे, तो वहां तुमको रेक्टिफाई भी करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। तो वो पूरा लिस्ट अपन देखेंगे, गो थ्रू करेंगे, जहां एकदम लॉजिकली क्रैक हो सकता है वहां लॉजिकली क्रैक करेंगे, और जहां आईसीएन ने जबरदस्ती का डाल दिया है तो भाई उसको याद भी करना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, तो इतनी बातें अगर क्लियर है तो हम लोग आगे स्टैंडर्ड में भर सकते हैं एंड वी कैन स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द बुक, ठीक है। आई बिलीव इतनी बातें क्लियर है, तो देखना है अभी बुक में आ जाना। ऐसे 240 दैट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो देखना सबसे पहले मैंने ऑलरेडी यहां पे दे दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है दैट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट्स वी हैव डिवाइडेड द एंटायर डिस्कशन ऑफ फ्रॉड्स इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहले बेसिक्स हो गया कि फ्रॉड क्या होता है, कौन कर रहा है, कितने प्रकार के फ्रॉड है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या है, और पार्ट बी हो गया जो कि ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इन रिलेशन टू फ्रॉड, जो कि अपने ऐसे 240 का कोर एरिया है। उसके बाद मीनिंग ऑफ फ्रॉड की अगर बात करें सर, तो फ्रॉड होता क्या है, फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट होता है जो वन या मोर इंडिविजुअल्स के होते हैं अमंग मैनेजमेंट दोस्ट चार्ज विद गवर्नेंस और एम्प्लॉयज और थर्ड पार्टीज इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। फ्रॉड कुल मिलाकर दो कैटेगरीज में होते हैं, एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की बात करें तो ये फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक होता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स और दूसरा होता है डिफल्केशन ऑफ कैश। अब मिस स्टेटमेंट्स की बात करें सर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट्स या तो फ्रॉड की वजह से हो सकता है या एरर की वजह से हो सकता है। डिफरेंस क्या है सर, अगर एक इंटेंशनल एक्ट है तब तो वो फ्रॉड हो गया, और अगर एक अनइंटेंशनल एक्ट है तब वो एरर हो गया। ऑल्दो फ्रॉड इज ए ब्रॉड लीगल कॉन्सेप्ट, ऑडिटर इज कंसर्न्ड विद दोस फ्रॉड्स दैट कॉजेज ए मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगेन एज ऑडिटर हम कौन से मिस स्टेटमेंट से कंसर्न्ड है सर, जो मटेरियल होंगे, हम इमटेरियल मिस स्टेटमेंट से कंसर्न्ड नहीं है, हमारा फोकस मटेरियल मिस स्टेटमेंट की तरफ है। दो टाइप के इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट है जो रेलिवेंट है हमारे लिए यहां पर, पहला मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड दूसरा मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। फिर फ्रॉड रिस्क फैक्टर के बारे में थोड़ा बहुत बात किया हुआ, इतना प्रीड कर लोगे एक बार। फिर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में बात की हुई है, जो समझाया था तुमको एक्जैक्टली वही लिखा हुआ है, एक बार इसको रीड कर लोगे। आप देखना सर, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे हो सकता है, सबसे पहला पॉइंट तो यही है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और अल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो जैसे कि मैंने तुमको बताया, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना, यानी कि प्रॉफिट्स को ज्यादा दिखाना, कम दिखाना, कब प्रॉफिट्स को कोई ज्यादा दिखाएगा, कब कम दिखाएगा, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, एक बार रीड कर लोगे। उसके बाद होता है सर पॉइंट नंबर टू, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन इन और इंटेंशनल ओमिशन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इवेंट्स, ट्रांजैक्शन और अदर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, कि जानबूझकर चीजों को गलत दिखाना या चीजों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ओमिट कर देना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं करना। तो वो भी क्या सर, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ही पार्ट है। सबसे पहले बोला फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या होगा सर, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे अकम्प्लिश होगा, आप अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, फॉल्सिफाई कर सकते हो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ऑल्टर कर सकते हो। मैनिपुलेशन कैसे हो सकता है सर, प्रॉफिट ज्यादा दिखाकर या फिर प्रॉफिट्स कम दिखाकर, जिसके लिए आप सेल्स को भरा सकते हो, परचेज को भरा सकते हो, घटा सकते हो, एक्सपेंसेस भरा सकते हो, घटा सकते हो, इनकम्स भरा सकते हो घटा सकते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में दिखा सकते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में दिखा सकते हो, एंड वाइस वर्सा। दूसरा क्या हो गया सर, किस वजह से फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है, मिस रिप्रेजेंटेशन
और इंटेंशनल ओमिशन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और तीसरा है सर जानबूझ के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को गलत तरीके से अप्लाई करना, जानबूझकर इंटेंशनली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को गलत तरीके से अप्लाई करना ताकि अपना एपीसीडी गलत निकल कर आए। एपीसीडी याद है क्या था? अमाउंट प्रेजेंटेशन क्लासिफिकेशन डिस्क्लोजर, अमाउंट प्रेजेंटेशन क्लासिफिकेशन डिस्क्लोजर। मैंने तुमको बताया था कि जब भी अमाउंट प्रेजेंटेशन क्लासिफिकेशन डिस्क्लोजर में डिफरेंस आता है वो मिसस्टेटमेंट होता है। क्या होता है? मिसस्टेटमेंट होता है। तो अगर जानबूझकर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को मिस अप्लाई कर रहे हो ताकि आपका एपीसीडी गलत आए, अमाउंट गलत आए, प्रेजेंटेशन गलत हो, क्लासिफिकेशन गलत हो, डिस्क्लोजर गलत हो, वो भी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक हिस्सा है। उसके बाद सर हमने बोला, मैंने तुमको एक फ्रेज लिखाया था कि मैनेजमेंट एक ऐसी अथॉरिटी है जिसके पास पावर है टू ओवरराइड द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, बिकॉज अल्टीमेटली कंट्रोल किसने डिजाइन किया? मैनेजमेंट ने डिजाइन किया। द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज डिजाइन बाय द मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट इज इन दैट पोजिशन दैट दे कैन ओवरराइड द कंट्रोल्स, बिकॉज इट इज अल्टीमेटली द मैनेजमेंट हु हैज एक्चुअली डिजाइन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो अब मैनेजमेंट कैसे कैसे फ्रॉड कमिट कर सकता है? बाय ओवरराइडिंग द कंट्रोल्स। ठीक है, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि फ्रॉड को पकड़ना है ना तो फ्रॉडस्टर की तरह सोचो, चोर को पकड़ना है तो चोर की तरह सोचो। तो भाई यहां पे क्या बोला कि मैनेजमेंट कैसे फ्रॉड कर सकता है? बाय ओवरराइडिंग कंट्रोल्स। मैनेजमेंट कैसे फ्रॉड कर सकता है? बाय ओवरराइडिंग कंट्रोल्स। तो भाई देखो, काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैनेजमेंट के हाथ में है। क्या सर? मैनेजमेंट के हाथ में है। जर्नल एंट्रीज पास करना किसके हाथ में है? सर मैनेजमेंट के हाथ में। कंट्रोल ही तो है ना जर्नल एंट्री पास करना। अब जर्नल एंट्री पास करना किसके हाथ में है? सर मैनेजमेंट के हाथ में। अब सोचो, मैनेजमेंट ने ईयर एंड में फिक्चर्स जर्नल एंट्री पास कर दिया, मैनेजमेंट ने ईयर एंड में फिक्चर्स जर्नल एंट्री पास कर दिया परचेजेस का, और अकॉर्डिंगली खर्चे ज्यादा दिखा दिए, प्रॉफिट कम हो गया, टैक्स सेव कर लिया। अगले साल क्या किया? फिर अप्रैल के अंदर मैनेजमेंट ने रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया? रिवर्सल कर दिया। सिमिलरली सेल्स ज्यादा दिखाना था, प्रॉफिट ज्यादा दिखाना था, तो मार्च में बहुत सारे सेल्स के फिक्चर्स एंट्रीज मार दिए और अगले साल सेल्स रिटर्न दिखा दिया अप्रैल में। नेक्स्ट ईयर फिर से 31 मार्च से पहले वैसे ही करेंगे पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए। तो इस तरीके से तो मैनेजमेंट बार बार बदमाशी कर सकता है, फिक्चर जर्नल एंट्रीज पास करके प्रॉफिट को भरा सकता है, घटा सकता है। और स्पेशली बदमाशी कब होती है? जब ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ होती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इस प्रकार से क्या कर सकता है? फ्रॉड कमिट कर सकता है बाय ओवरराइडिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। या फिर अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना किसका काम है? सर मैनेजमेंट का काम है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो तरीके का फिगर आता है, एक आता है एक्चुअल फिगर, एक आता है एस्टिमेट बेस्ड फिगर। अब एक्चुअल फिगर के केस में तो खेलना थोड़ा मुश्किल है, बट जो एस्टिमेट बेस्ड फिगर होता है जो कि एस्टिमेट के ऊपर बनता है, जैसे प्रोविजन हो गया, अकाउंटिंग एस्टिमेट हो गया, तो वहां तो मैनेजमेंट खेल ही सकता है। एस्टिमेट बहुत ज्यादा दिखा दिया, प्रॉफिट कम दिखाना है तो एस्टिमेट बहुत ज्यादा दिखा दिया, प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है तो एस्टिमेट कम दिखा दिया, तो वहां पर मैनेजमेंट क्या कर सकता है? सर फिर से ओवरराइड कर सकता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और फ्रॉड कर सकता है बाय इनअप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग एस्टिमेट्स। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना मैनेजमेंट का काम है। अब मैनेजमेंट ने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, या रेवेन्यू रिकॉग्निशन में डिले कर दिया, प्रीपोन कर दिया रेवेन्यू रिकॉग्निशन को, या पोस्टपोन्ड कर दिया रेवेन्यू रिकॉग्निशन को, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि रेवेन्यू मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज ना करे, ऐसा भी हो सकता है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन को प्रीपोन कर दे, ऐसा भी हो सकता है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन को पोस्टपोन्ड कर दे, तो कुछ भी मैनेजमेंट कर सकता है। तो ओमिटिंग एडवांसिंग और डिलेइंग रिकॉग्निशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस दैट हैव ऑकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स दैट कुड अफेक्ट द अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कुछ ऐसी बातों का मैनेजमेंट को पता चला है जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रभाव आ सकता है, और मैनेजमेंट मान लो उन चीजों को डिस्क्लोज ही नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा सर? डिस्क्लोज ही नहीं कर रहा। या फिर मैनेजमेंट क्या कर रहा है सर? कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन सेंटर कर रहा है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन सेंटर कर रहा है टू मिसरिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजिशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है? जानबूझकर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन एंटर कर रहा है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, सीधा सीधे ट्रांजेक्शन एंटर नहीं कर रहा, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन सेंटर कर रहा है। मान लो कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजेक्शन सेंटर कर रहा है, क्या कर रहा है? कंट्रोल्स को मैनिपुलेट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन सेंटर कर रहा है, ताकि वो क्या कर सके? फाइनेंशियल पोजीशन को मिसरिप्रेजेंट कर सके। मान लो जो कंपनी है, कंपनी ए, ए ने बी में इन्वेस्ट किया, बी ने सी में इन्वेस्ट किया, सी ने डी पे इन्वेस्ट किया, डी ने ई पे इन्वेस्ट किया, अल्टीमेटली ए को इन्वेस्ट करना था ई पे, अल्टीमेटली ए को इन्वेस्ट करना था ई पे, बट डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ शोइंग द इन्वेस्टमेंट इन ई, ए ने बी में किया, बी ने सी में किया, सी ने डी में किया, बी ने ई में किया, मतलब झूठ मूठ का कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन एंटर कर दिया। तो ये काम भी कौन कर सकता है? सर मैनेजमेंट कर सकता है बाय ओवरराइडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। या फिर
मैनेजमेंट क्या कर रही है सर, रिकॉर्ड्स ही ऑल्टर कर दे रही है, रिकॉर्ड्स ही ऑल्टर कर दे रही है, टर्म्स ही ऑल्टर कर दे रही है रिलेटिंग टू सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। तो जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन किया है मैनेजमेंट ने या जो भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन किया है मैनेजमेंट ने, तो कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन किया है मैनेजमेंट ने या कोई भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन किया है मैनेजमेंट ने, मान लो रिलेटेड पार्टीज के साथ करा है, तो टर्म्स ही ऑल्टर कर दिए। तो भाई ये सारा कुछ मैनेजमेंट के हाथ की चीज है यार, क्योंकि टर्म्स किसने बनाया होगा, मैनेजमेंट ने बनाया होगा, तो ऑल्टर करना आसानी से चीज है। जर्नल कौन पास करता है, मैनेजमेंट ही पास करता है, तो आराम से फिक्चर्स एंट्री पास कर सकता है, रिवर्स कर सकता है, ठीक है। एस्टिमेट्स कौन बनाता है, मैनेजमेंट बनाता है, तो एस्टिमेट गलत बना सकता है। रेवेन्यू कौन रिकॉग्नाइज करता है, मैनेजमेंट करता है, तो ऑमिटिंग एडवांसिंग बिलिंग रिकॉग्निशन, तो ये सारा काम मैनेजमेंट कर सकता है और फ्रॉड कमिट कर सकता है बाय मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल्स। यानी इंस्टीट्यूट तुमको सिखा रहा है कि बेटा फ्रॉड करना कैसे है, मैनेजमेंट फ्रॉड करती कैसे है, क्योंकि तुम अगर ये नहीं सीखोगे कि मैनेजमेंट फ्रॉड करती कैसे है, तो तुम फ्रॉड को पकड़ोगे कैसे, कि किस प्रकार से मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड करती है, किस प्रकार से मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ब्रिच करती है और फ्रॉड कमिट करती है। तो ये तो हो गया बड़ी लेवल की बात है, ये तो हो गई बड़े बड़े लेवल की बात है। अब आते हैं छोटे कैटेगरी में, छोटे कैटेगरी में हम तो छोटे आदमी हैं भाई, तो आते हैं छोटे कैटेगरी में, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, डिफोकेशन ऑफ कैश। अब बोला मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कैसे हो सकता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कैसे कैसे हो सकता है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स का मतलब हो गया एसेट्स की चोरी, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स का मतलब हो गया सर एसेट्स की चोरी। अब याद रखिएगा, जब मैं बात कर रहा हूं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, इसका मतलब एसेट्स की चोरी, तो ये फिजिकल एसेट्स भी हो सकता है या फिर ये आईपीआर भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है ना, या ये कंपनी के रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, या ये कंपनी के रिसोर्सेज भी हो सकते हैं जिनके डायरेक्टर्स वगैरह मिसयूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, इसको भी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की कैटेगरी में माना जाएगा। तो सर फिजिकल एसेट्स की चोरी को तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में माना ही जाएगा, आईपीआर को अगर चुराया, कंपनी का कोई ट्रेड सीक्रेट चुराया, वो भी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में आएगा। कंपनी के रिसोर्सेज को अगर मिसयूज किया, वो भी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट की कैटेगरी में ही आएगा। नॉर्मली तुम्हारे दिमाग में क्या आता है पता है, अच्छा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट मतलब कोई फिजिकल एसेट चुराया, नहीं, खाली फिजिकल एसेट चुराया है वो इसमें नहीं आएगा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में। अगर तुमने कुछ आईपीआर चुराया वो भी आएगा, ठीक है, अगर तुमने कोई आईपीआर चुराया वो भी आएगा, या फिर मान लो तुमने किसी प्रकार से कंपनी के रिसोर्सेस का मिस यूटिलाइजेशन किया है वो भी आएगा, ठीक है, या तुमने ज्यादा पेमेंट वगैरह करा दिया वो भी आएगा। तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स एक बहुत ही ब्रॉड शब्द है, and that can be accomplished in a variety of ways including bola embezzlement of receipts, to jo bhi receipts hai uski hera feri, receipts ki hera feri, ye bhi misappropriation of assets mein aa jayega, receipts ki hera feri, theek hai na। मान लो लेटर से, एक डेटर से पैसा मिलना था, तो डेटर से जो पैसा मिलना है कंपनी को मिलना है, अब कंपनी के बैंक अकाउंट में रिसीव करने के बदले मैंने क्या किया, डेटर से वो पैसा मेरे पर्सनल बैंक अकाउंट में रिसीव कर लिया, क्या कर लिया, मेरे पर्सनल बैंक अकाउंट में रिसीव कर दिया। तो मैंने क्या किया, कंपनी से पैसा रिसीव करने की जगह मैंने उस पैसे को अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में डाल दिया, embezzlement of receipts। या फिर stealing physical assets or intellectual property, inventory को चुराना, राइट, किसी स्क्रैप को रीसेल कर लेना, स्क्रैप को चुराना, ये तो हो गया स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स, कि ऐसे मैंने क्या कर लिया, एंटिटी को चुरा, इन्वेंट्री को चुरा लिया। अब नॉर्मली कभी इजी होता है हमारे इन्वेंट्री चुराना, जब छोटा नेचर का इन्वेंट्री होता है, मान लो मैं किसी पेनड्राइव स्टोर में काम कर रहा हूं, मैं एम्प्लॉई हूं, झटपट मैंने दो पेनड्राइव उठाए, पॉकेट में डाला, निकल गया मैं, ठीक है, या फिर मैंने जो स्क्रैप जनरेट हो रहा है उसको बेच के खुद पैसा अपने जेब में डाल लिया, वो भी होता है, या फिर मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुरा रहा हूं, मान लो कंपनी का ट्रेड सीक्रेट चुरा लिया मैंने और कंप्यूटर को बेच दिया, कंपनी का क्लाइंट का डाटा चुरा लिया मैंने, कंप्यूटर को बेच दिया, तो वो भी हो जाता है। या फिर कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, कॉजिंग एन एंटिटी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, मैंने फर्जी इनवॉइसेस बना दिए, मैं परचेज डिपार्टमेंट का हेड हूं, ठीक है, मैं परचेज डिपार्टमेंट का हेड हूं, मैंने फर्जी इनवॉइसेस बना दिए, मैंने फर्जी परचेज दिखा दिया और मैंने फिक्चर्स वेंडर्स क्रिएट कर दिए, उनको पेमेंट दिखा दिया, ठीक है, और अल्टीमेटली पैसा कहां जा रहा है, मेरे ही बैंक अकाउंट में जा रहा है, अल्टीमेटली पैसा कहां जा रहा है सर, मेरे ही बैंक अकाउंट में जा रहा है। सिमिलरली मैंने फर्जी एम्प्लॉइज दिखा दी, फर्जी एम्प्लॉइज की फर्जी सैलरी दिखा दी और पैसा अल्टीमेटली मेरे पास ही घूम फिर के आ रहा है, तो ये सारी चीजें हो गई। या फिर इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है, किकबैक्स पेड बाय वेंडर्स टू एंटिटीज परचेसिंग एजेंट्स इन रिटर्न फॉर इन्फ्लेटिंग प्राइसेस, क्या मतलब हो गया सर, मान लो मैं कंपनी के परचेस डिपार्टमेंट का हेड हूं, मैंने क्या किया,
मैंने एक वेंडर को बोला बेटा हमारी मेरी कंपनी का सारा परचेस कॉन्ट्रैक्ट तेरे को मिलेगा, मेरा वादा है, नहीं तो मुखिया हूं, नहीं तो परचेस डिपार्टमेंट का हेड हूं, सारा परचेस तेरे को मिलेगा, खाली तुझे 10 लाख की जगह 12 लाख का बिल बनाना पड़ेगा और 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा तुझे मिलेंगे वो चुपचाप तुझे मुझे कैश में देना होगा या मेरे पर्सनल बैंक अकाउंट में या मेरी बीवी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं किकबैक्स पेड बाय वेंडर्स टू एंटिटीज परचेजिंग एजेंट्स इन रिटर्न फॉर इन्फ्लेटिंग प्राइसेस, कि मैं सारा कॉन्ट्रैक्ट तुझे दिलाऊंगा, 10 लाख की जगह तो 12 लाख का बिल बनाएगा, मतलब इन्फ्लेट करेगा बिल को और वो एक्स्ट्रा 2 लाख मेरी जेब में आने चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, एंटिटी का नुकसान करा रहा हूं, ठीक है। अब सोचो ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेट नहीं हो रहा बट मिसअप्रोप्रिएशन हो रहा है, या फिर यूजिंग एन एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर। नॉर्मली ये अपने को मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स लगता नहीं है बट ये भी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स है। कंपनी के जो डायरेक्टर्स है क्या सोच के बैठते हैं पता है, अरे यार कंपनी का बीएमडब्ल्यू अपना बीएमडब्ल्यू, कंपनी की गाड़ी अपना गाड़ी, तो पता चला मस्त होके एकदम कंपनी का सारा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं पर्सनल पर्पज के लिए, जबकि कंपनी का कॉन्सेप्ट अलग है और इंडिविजुअली हमारा कॉन्सेप्ट अलग है, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन मस्त होकर अपन कंपनी की सारी फैसिलिटीज को क्या कर रहे हैं सर, यूज कर रहे हैं। तो एंटिटी के एसेट को पर्सनल पर्पज के लिए यूज करना वो भी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स है। अगर छोटे लेवल पे बात करें तो भाई तुम क्लाइंट के वहां बैठकर उसका जो वाईफाई यूज करके ऑफिस यूज करके पर्सनल काम करते हो ना, तुम भी चोरी कर रहे हो, तुम भी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कर रहे हो। उसके बाद डिफल्केशन ऑफ कैश, कैश का डिफल्केशन कैसे हो सकता है, तो भाई कैश के डिफिकेशन कैसे हो सकता है, बहुत सिंपल है, बोला या तो कैश के खर्चे ज्यादा दिखा दो, या तो कैश की रिसिप्ट कम दिखा दो, या तो कैश के खर्चे ज्यादा दिखा दो, या तो कैश के रिसिप्ट कम दिखा दो, या फिर ऐसा भी हो सकता है सर टोटलिंग में गलत हो गए इन द कैश बुक, या तो ऐसा भी हो सकता है सर टोटलिंग में गलत हो गए इन द कैश बुक, बहुत सिंपल है। अब सर खर्चे ज्यादा कैसे दिखाएंगे, बोला बहुत सिंपल है, हम तो फिक्चर्स वेंडर्स दिखा देंगे, हम तो फिक्चर्स वाउचर्स दिखा देंगे, हम तो फिक्चर्स एम्प्लॉइज दिखा देंगे, डमी एम्प्लॉइज दिखा देंगे, डमी वर्कर्स दिखा देंगे, कुछ भी कर देंगे भाई, बहुत आसान है, एक बार रीड कर सकते हो खाली। सप्रेसिंग कैश रिसिप्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, सप्रेसिंग कैश रिसिप्ट्स, ये कैसे करें सर, सिखाओ ना। सप्रेसिंग कैश रिसिप्ट्स, कैश रिसिप्ट को कैसे सप्रेस करें, रिसिप्ट आया कैश की कमाई आ गई कैसे सप्रेस करें, कैसे मैनेजमेंट की आंखों से छुपाएं। तो एक चीज याद रखना सर, अगर जो सेल्स है वो बैंक के माध्यम से आ रहा है तब तो सप्रेस करना पॉसिबल ही नहीं है। पार्टिकुलरली अगर ये जो सेल्स हो रही है, ये जो रिसिप्ट हो रहा है, अगर कैश के माध्यम से आ रहा है तब जाकर यहां पे कैश रिसिप्ट को सप्रेस करना पॉसिबल है। मैं क्या करूंगा, सबसे सिंपल तरीका, मैं पूरा कैश सेल्स दिखाऊंगा ही नहीं, थोड़ा जेब में डाल दूंगा, जितना कैश सेल्स हुआ उतना दिखाऊंगा ही नहीं, थोड़ा जेब में डाल दूंगा, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूं सर, व्हाट कैन आई डू, मान लो लेट अस से कुछ छोटी मोटी कमाई होती है ना जिस पर लोगों का नजर नहीं जाता, मान लो स्क्रैप से कुछ कमाई हो रहा है, ठीक है, स्क्रैप से कुछ कमाई हो रहा है, तो वो कमाई मैंने जेब में डाल दिया, या ज्यादा रद्दी बेचकर ज्यादा कमाई जनरेट करके मैंने कम दिखा दिया, वो एक तरीका होता है। राइटिंग ऑफ गुड डेप्थ इज बैड डेप्थ एंड मिस अप्रोप्रिएटिंग द अमाउंट। मान लो हमारे एक डेटर साहब है मिस्टर राम, जिनसे हमें 2000 रुपए मिलने थे, अब मिस्टर राम भाई साहब आए और 2000 रुपए देके चले गए, ठीक है, लेकिन पार्टिकुलरली मैंने क्या किया, मैंने वो 2000 रुपए अपने जेब में डाल दिया और ये दिखा दिया कि मिस्टर राम ने तो पैसे दिए ही नहीं, यानी एक अच्छा खासा गुड डेप्थ को मैंने बैड डेप्थ दिखा दिया और पैसे को मिस अप्रोप्रिएट कर दिया। प्रैक्टिकली बताऊं, ये पॉइंट सिर्फ लिखने के लिए है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज पॉसिबल नहीं है, आज की तारीख में बहुत डिफिकल्ट है, इन एक्सट्रीमली रेयर केसेस है, लेकिन सिर्फ लिखने के लिए है, ठीक है यार, एक गुड डेप्थ को बैड डेप्थ दिखा दिया, अमाउंट को मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, सिर्फ लिखने के लिए है भाई। इन रियल लाइफ क्या होगा पता है, कि आप जल्दी से गुड डेप्थ को बैड डेप्थ दिखा के मिस अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते हो अमाउंट को, प्रैक्टिकल लाइफ में इतना आसान नहीं है। या फिर इसमें सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड, मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अलग से देखेंगे, टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड लास्ट में आते हैं। फिर बोले और क्या हो सकता है सर, नॉट अकाउंटिंग फॉर मिसलेनियस रिसिप्ट, छोटी मोटी कमाई का हिसाब किताब नहीं देना भाई, राइटिंग डाउन वैल्यूज ऑफ एसेट्स इन एंटायरिटी,
सेलिंग देम सब्सिक्वेंटली एंड मिसअप्रोप्रिएटिंग द प्रोसीड्स. एक एसेट रखा है गोडाउन में 50,000 रुपए का, एक एसेट रखा है गोडाउन में 50,000 रुपए का, हमने दिखाया कि नहीं नहीं एसेट 50,000 का नहीं है, इसकी वैल्यू नीचे गिर गई है, 20,000 की वैल्यू रह गई है. कितना दिखाया? 20,000 की वैल्यू रह गई है. तो हमने राइट डाउन कर दिया एसेट की वैल्यू को, 50,000 का एसेट का वैल्यू दिखाया 20,000 है, फिर बेच दिया 50,000 में या 40,000 में और 20,000 जेब में, समझ लो 20,000 जेब में. तो ये भी एक अच्छा तरीका है. या फिर फिक्चर्स डिस्काउंट दिखा दिया, फिक्चर्स रिबेट्स दिखा दिया, फिक्चर्स डिस्काउंट दिखा दिया, फिक्चर्स रिबेट्स दिखा दिया टू कस्टमर्स अकाउंट्स एंड मिसअप्रोप्रिएटिंग अमाउंट पेड बाय देम. फॉर एग्जांपल मान लो लेट अस से तुम अगर दिल्ली के पालिका बाजार में गए हो, तो पालिका बाजार एक ऐसा मार्केट है भाई कि 2,000 का जुत्ता मैंने आंखों के सामने देखा है 400 रुपए में बिकते हुए. तो प्रैक्टिकली उनकी कॉस्ट होती है बहुत कम, मान लो 300 की कॉस्ट है. ओनर की तरफ से इंस्ट्रक्शन गया हुआ है कि बेटा 300 के ऊपर जो भी मिले उसमें बेच दियो, मतलब एटलीस्ट 400 ले लियो, 400 के ऊपर जो भी मिले बेच दियो, ठीक है. और वहां इस लेवल पे नेगोशिएशन होता है कि भैया 2000 से बार्गेनिंग शुरू होता है सीधा 400 तक जाता है. तो पता चला 2000 से बार्गेनिंग शुरू हुआ, माल बिका 600 में. अब दुकानदार क्या बोलेगा? दुकानदार अपने मालिक को यह बोलेगा कि माल बिका था 400 में, माल बिका था 400 में, ठीक है ना, और 200 रुपए सीधा जेब में डाल दिया. तो ज्यादा डिस्काउंट दिखा दिया, ज्यादा रिबेट दिखा दिया और पैसे को मिस अप्रोप्रिएट कर दिया. और सबसे इंटरेस्टिंग होता है टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड. अब टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड क्या होता है भाई? टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड क्या होता है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. मान लो जरा से मैं हूं मिस्टर राम, मैं हूं मिस्टर राम, मैं कंपनी का कैशियर हूं. अब कंपनी के कुछ डेटर्स है, मान लीजिए कंपनी का एक डेटर है, कंपनी का एक डेटर है, कंपनी का एक डेटर है मिस्टर ए. ये भागा भागा आया, भागा भागा आया, भागा भागा आया और दिया 50,000, मतलब उसका ड्यू था कुछ 50,000, तो इसने पूरे 50,000 दे दिए, इसने पूरे 50,000 दे दिए. अब मिस्टर ए एक ऐसा प्राणी है कि पिछले 2 महीने से पैसा मिला नहीं है, हमने वेट ही कर रही है कब पैसा आएगा. अब मिस्टर ए अचानक से आया, 50,000 रुपए दे दिया. अब मिस्टर राम क्या करेगा? बुक्स में दिखाएगा कि मिस्टर ए ने 30,000 दिया और 20,000 रुपए वो अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में डालेगा. मान लो 20,000 रुपए से उसने वाइफ को ज्वेलरी दे दी, 20,000 रुपए से वाइफ को ज्वेलरी दे दी क्योंकि वाइफ का बर्थडे आ रहा था. अब सर दिक्कत क्या है? अब दिक्कत यह है कि यार ये ज्यादा टाइम तक ना ये काम चला नहीं सकता, ज्यादा टाइम तक ये मिस्टर ए का डिफरेंस दिखा नहीं सकता वरना ही फंस जाएगा. अब अगले दिन क्या हुआ? मान लो मिस्टर बी है, मिस्टर बी भागा भागा आया, भागा भागा आया, मिस्टर बी से मिलने थे कुछ 30,000 रुपए और मिस्टर बी ने भी दे दिए अपने पूरे 30,000 रुपए. अब ये क्या करेगा? ये दिखाएगा कि 20,000 रुपए जो ड्यू था मिस्टर ए का ये तो आ गया है और 10,000 रुपए सेपरेट बैंक अकाउंट में डाला, मतलब पर्सनल बैंक अकाउंट में डाल दिया. अब बेटे का बर्थडे था तो बेटे को गिफ्ट दे दिया और बी से कुछ नहीं मिला, मतलब बी का जो बैलेंस है अब भी कितना है? 30,000 है बुक्स में. फिर मान लो अगले दिन एक लेटर आया सी, सी आके देखे गया 40,000 रुपए. तो अब ये भाई साहब क्या दिखा देंगे? अब ये भाई साहब दिखा देंगे कि इस 40,000 में से बी का जो 30,000 था वो आ गया और 10,000 रुपए इसने क्या किया? पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया और सी का बैलेंस एज इट इज खड़ा है. और ये काम ये करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा जब तक बैलून फूट ना जाए, जब तक चोरी पकड़ी ना जाए, ठीक है. इसको बोलते हैं टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड, इसको बोलते हैं टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड. और एक समझदार एम्प्लॉई होगा ना तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली जैसे उसके पास कहीं से मोटा पैसा आएगा तो खुद ही जाके सारा डिफरेंस क्लियर कर देगा एक बार के लिए, सारा पैसा कंपनी में फिर से जमा कर देगा ताकि जल्दी से वो पकड़ा ना जाए. इसको बोलते हैं टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड, ठीक है. तो ये वाला जो एरिया था काफी छोटा एरिया था. और अब आता है चैप्टर का असली जान, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स. तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या होता है सर?
क्या बताया था मैंने कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स का मतलब होता है सर इवेंट्स या कंडीशंस जो इंडिकेट करता है कोई इंसेंटिव या प्रेशर टू कमिट फ्रॉड और एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। वो प्रेशर कोई थर्ड पार्टी का हो सकता है, वो प्रेशर खुद का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने तुमको बताया फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करें तो वहां भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स तुमको मिलेगा, और अगर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की बात करें तो वहां भी तुमको फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स मिलेगा। तो रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू मिस अप्रोप्रिएशन अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंसेंटिव पब्लिक प्रेशर, इंसेंटिव पब्लिक प्रेशर अब देखो कितना सारा बड़ा करके दिया हुआ है। सबसे पहले बोला कि प्रेशर किस बात का, बोला इकोनॉमी खतरे में है, इकोनॉमी बहुत डाउन है, इंडस्ट्री बहुत डाउन है, या एंटिटी का ऑपरेटिंग कंडीशन बहुत खराब है इसलिए प्रेशर है। इकोनॉमी बहुत डाउन है, इंडस्ट्री बहुत डाउन है, या एंटिटी लॉसेस सफर कर रही है इसलिए प्रेशर है। दूसरा प्रेशर का वजह क्या हो सकता है, दबाव का वजह क्या हो सकता है, बोला थर्ड पार्टीज की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, थर्ड पार्टीज की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है इसलिए प्रेशर है। कभी कभी आप सीए एग्जाम क्लियर करने के लिए इतने प्रेशर में क्यों होते हो, क्योंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। वैसे यहां पे मैनेजमेंट बोल रहा है थर्ड पार्टी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है इसलिए हम प्रेशर में है। और तीसरा सिचुएशन हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है या जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है, जो भी इंडिविजुअल्स एक्ट कर रहे हैं एज मैनेजमेंट और TCWG, हो सकता है कि उनका पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगा अगर एंटिटी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस खराब हो गया। तो उनका पर्सनल सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगा अगर एंटिटी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत खराब हो गया, और इसीलिए वो प्रेशर में है, वो दबाव में है कि भैया किसी भी हाल से एंटिटी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस खराब नहीं दिखाना है वरना हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाएगा। तो यहां पर देखोगे कि प्रेशर को ना तीन पॉइंट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या जिसका प्रेशर है, इकोनॉमिक इंडस्ट्री, इकोनॉमी का प्रेशर है, इंडस्ट्री का प्रेशर है, कंपनी लॉसेस में सफर कर रही है उस चीज का प्रेशर है। दूसरा क्या जिसका प्रेशर है, थर्ड पार्टी के एक्सपेक्टेशन का। और तीसरा प्रेशर है खुद के फाइनेंशियल सिचुएशन का, जो कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह है उनको प्रेशर है खुद के फाइनेंशियल सिचुएशन का। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी थ्रेटन्ड बाय इकोनॉमी इंडस्ट्री और एंटिटी ऑपरेटिंग कंडीशंस बाय फैक्टर्स सच एज, बोला इकोनॉमी या इंडस्ट्री की वजह से प्रेशर है। बोला कंपटीशन इतना ज्यादा है यार, इकोनॉमी ऐसी है कंपटीशन इतना ज्यादा है, भाई क्या करें, कंपटीशन में सर्वाइव करना करें क्या, वो एक प्रेशर है, हाई डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन है, मार्जिन बहुत कम है, क्या करें भाई प्रेशर है। या फिर टेक्नोलॉजी में लगातार चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में लगातार चेंजेस आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें, बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। कस्टमर डिमांड बहुत कम हो रहा है, कस्टमर डिमांड बहुत कम हो रहा है क्योंकि पूरा बिजनेस फेलियर हो गया, पूरा बिजनेस डाउन हो गया, पूरा इंडस्ट्री डाउन हो गया, तो बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, कस्टमर डिमांड कम हो गया है, इंडस्ट्री बहुत डाउन चली रही है। तो ये आप फैक्टर्स देखोगे तो क्या सारा का सारा इकोनॉमी या इंडस्ट्री, पहला तीन फैक्टर क्या, इकोनॉमी या इंडस्ट्री, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस है, कस्टमर का डिमांड नहीं है, तो प्रेशर किस वजह से है, इकोनॉमी या इंडस्ट्री। फिर एंटिटीज ऑपरेटिंग कंडीशन, प्रेशर किस वजह से है, क्योंकि कंपनी लॉसेस फेस कर रही है, ऑपरेटिंग लॉसेस, नेगेटिव कैश फ्लोज, ठीक है, एंटिटीज ऑपरेटिंग कंडीशंस, तो ऑपरेटिंग कंडीशन, ठीक है। या फिर रैपिड ग्रोथ और अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी स्पेशली कंपेयर टू द अदर कंपनीज, इसका मतलब क्या हो गया सर कि अगर ऐसा हुआ है कि कंपनी अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी यू नो दिखा रही है कंपेयर टू अदर्स इन द सेम इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में बाकी सब लॉसेस में है लेकिन एक कंपनी दिखा रही है मैं बहुत प्रॉफिट में हूं, अरे भैया बाकी सब तो इतने लॉसेस में है और तू दिखा रहा है कि तू इतने प्रॉफिट में है, तो ऐसा अचानक से तुमने क्या कमाल कर दिया, तो वो भी एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। या फिर न्यू अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कुछ नए अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स आए हैं, नए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आए हैं, नए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आए हैं, तो अगेन दैट इज अ प्रेशर, अगेन दैट इज अ प्रेशर, दैट इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर, दैट इज अ प्रेशर, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे एक्सेसिव प्रेशर एग्जिस्ट फॉर द मैनेजमेंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ थर्ड पार्टीज, थर्ड पार्टीज का प्रेशर है भाई, थर्ड पार्टी का प्रेशर है, क्रेडिटर्स बोल रहे हैं कि भैया आप सारा पैसा वापस खींच लेंगे अगर तूने प्रॉफिट नहीं दिखाया, कहीं बाहर से फंड नहीं आएगा अगर तूने प्रॉफिट नहीं दिखाया, तो थर्ड पार्टी का प्रेशर है, थर्ड पार्टी का एक्सपेक्टेशन उतना है। बोला कि अगर मार्केट में कॉम्पिटेटिव रहना है तो एडिशनल डेप्थ चाहिए, एडिशनल फाइनेंसिंग चाहिए, अगर मार्केट में कॉम्पिटेटिव रहना है तो एडिशनल डेप्थ चाहिए, एडिशनल फाइनेंसिंग चाहिए, राइट, पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा, अगर मार्केट में कॉम्पिटेटिव रहना है। अगर मान लो जियो को टक्कर देना है, अगर जियो को टक्कर देना है वोडाफोन को, तो भाई वोडाफोन को क्या चाहिए, पैसा,
तो अगर वोडाफोन लॉसेस भी सफर कर रहा है तो शायद वोडाफोन को लगेगा अरे यार लॉसेस दिखा देंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो कंपीट नहीं कर पाएंगे जियो को, प्रेशर है। कभी कभी ऐसा होता है कि लिस्टिंग कराना है कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में। अब स्टॉक एक्सचेंज का लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स होता है 3 साल तक लगातार प्रॉफिट होगा तभी लिस्टिंग मिलेगा, लॉस हुआ तो लिस्टिंग नहीं मिलेगा। तो उस प्रेशर की वजह से पता चला कि वो लॉस को भी प्रॉफिट में कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं, या फिर परसीव्ड और रियल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑन पेंडिंग ट्रांजेक्शन। बोला अगर अपनी असली औकात दिखा दी, अगर पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट दिखा दिया तो पता चलेगा कि भैया लेट अस से हमारा मर्जर होने वाला था, एमलगमेशन होने वाला था, कैंसिल हो जाएगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था कैंसिल हो जाएगा, तो क्या करें भाई, बहुत प्रेशर में है, बहुत प्रेशर में है, वी आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। उसके बाद बोला इंफॉर्मेशन अवेलेबल कि जो पर्सनल फाइनेंशियल पोजीशन है मैनेजमेंट का या TCWG का वो थ्रेटेंड बाय द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपनी के डायरेक्टर्स बहुत प्रेशर में है, उनका पसीना निकल रहा है, अगर एंटिटी लॉस में चली, अगर एंटिटी का फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गया तो हमारा क्या होगा, क्योंकि मान लीजिए डायरेक्टर्स का जो रेमुनरेशन है दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है तो उनको भी रेमुनरेशन मिलेगा वरना उनको भी नहीं मिलेगा। तो कंपनी को लॉसेस में दिखा दिया मतलब खुद का भी रेमुनरेशन बंद, खुद का घर कैसे चलेगा, ठीक है, हमारा बोनस वगैरह सब कंपनी के प्रॉफिट से लिंक्ड है तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गया तो हमारा घर कैसे चलेगा, हमने कंपनी के डेट्स का पर्सनल गारंटी दिया हुआ है, ओ माय गॉड, हमने कंपनी के डेट्स का पर्सनल गारंटी दिया हुआ है, कंपनी पैसा नहीं दे पाएगा तो पैसा किसको देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा प्रेशर है, किस चीज का प्रेशर है कि भैया पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द मैनेजमेंट और दोस चार्ज विद गवर्नेंस इज थ्रेटन्ड बाय द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, समझ रहे हो ना। तो ये सारा प्रेशर का सिचुएशंस हो गया, ये सारा प्रेशर का सिचुएशंस हो गया। हेडिंग दिया इंसेंटिव पब्लिक प्रेशर, बट मेनली उसने खाली प्रेशर की बात की है और प्रेशर को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला प्रेशर बाय इकोनॉमी इंडस्ट्री, इकोनॉमी इंडस्ट्री का 3 पॉइंट, ऑपरेटिंग कंडीशन का 3 पॉइंट, उसके बाद प्रेशर ऑफ थर्ड पार्टी अगेन 3 या 4 पॉइंट, ठीक है ना, प्रेशर फ्रॉम द एनालिस्ट, फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, एडिशनल डेप्थ रिक्वायरमेंट, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट एंड परसीव्ड और रियल एडवर्स इफेक्ट्स। एंड अगेन प्रेशर किस चीज का, पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन का, कि जो पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन है मैनेजमेंट का TCWG का वो थ्रेटेंड है बाय द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फिर अपॉर्चुनिटी, अब बोला ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर्स होंगे, ऐसा कौन कौन सा फैक्टर रहेगा कि तुमको दिखेगा यार सामने वाले को ना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है फ्रॉड करने का। अब देखो अपॉर्चुनिटी किसको ज्यादा मिलेगा, मान लो लेट अस से अगर कंपनी बहुत ज्यादा रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस कर पा रही है, इसका मतलब उसके पास अपॉर्चुनिटी है वहां फ्रॉड करने का, क्योंकि रिलेटेड पार्टी के साथ तुम सबसे ज्यादा फ्रॉड कर सकते हो, रिलेटेड पार्टी के साथ सबसे ज्यादा तुम मैनिपुलेट कर सकते हो ट्रांजैक्शंस को, फर्जी एंट्री पास कर दिया, फिर रिवर्स कर दिया, ये वो सारा काम रिलेटेड पार्टी के साथ हो सकता है। तो बहुत ज्यादा रिलेटेड पार्टी अगर तुम्हारे पास है, बहुत ज्यादा रिलेटेड पार्टी के साथ तुम एंट्रीज पास कर पा रहे हो, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास फ्रॉड करने का, एक कारण हो गया, ठीक है, एक कारण हो गया। उसके बाद मान लो एक कंपनी का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस है पूरे इंडस्ट्री में, या वो डोमिनेट कर पा रहा है पूरे इंडस्ट्री को, तो भैया अगर कोई डोमिनेट कर पा रहा है ना तो वहां हमेशा एक अपॉर्चुनिटी है उसके पास फ्रॉड करने का, क्योंकि वो डोमिनेट कर पा रहा है पूरे इंडस्ट्री को, वो क्या कर पा रहा है, डोमिनेट कर पा रहा है पूरे इंडस्ट्री को। तो अगर कोई भी कंपनी डोमिनेट कर पा रहा है पूरे के पूरे इंडस्ट्री को, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस है, तो आराम से वो क्या कर सकता है, डोमिनेट फ्रॉड कर सकता है, क्योंकि कस्टमर्स को भी उसकी बात माननी होगी, सप्लायर्स को भी उनकी बात माननी होगी, नो वन हैव एनी अदर चॉइस, नो वन हैव एनी अदर चॉइस। तो अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने का, अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने का। फिर बोला अगर कंपनी का बिजनेस नेचर ऐसा है, कंपनी का बिजनेस नेचर ऐसा है कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा फिगर्स ऐसे हैं जो एस्टिमेट्स के ऊपर बेस्ड है, तो अगेन उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है फ्रॉड करने का, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना 2 प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं, एक होता है एक्चुअल बेस्ड, एक होता है एस्टिमेट बेस्ड। एक्चुअल में आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट जो जजमेंट बेस्ड होता है ना वहां पर आप खेल सकते हो। तो अगर कोई कंपनी का नेचर ही ऐसा है कि जो भी एसेट्स लायबिलिटीज रेवेन्यूज है वो मोस्टली जजमेंट के ऊपर बेस्ड है, प्रोफेशनल पर्सनल जजमेंट के ऊपर बेस्ड है, तो वहां उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने का, ठीक है। तो रिलेटेड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने का। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस है कंपनी का, डोमिनेट कर पा रहे हैं किसी सेक्टर को, तो कस्टमर्स को भी बात माननी होगी, सप्लायर्स को भी बात माननी होगी, तो अगेन क्या कर पाएंगे सर, उनके पास अपॉर्चुनिटी होगा फ्रॉड करने का।
सिग्निफिकेंट अनयूजुअल और हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस। ईयर एंड में अगर बहुत ज्यादा अनयूजुअल ट्रांजेक्शन एंटर हो रहा है, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन एंटर हो रहा है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन एंटर हो रहा है, तो वो भी एक इंडिकेटर है फ्रॉड का, वो भी एक इंडिकेटर है फ्रॉड का। बोला अगर किसी कंपनी का इंटरनेशनल बॉर्डर्स में बहुत बिजनेस है, विदेशों में बहुत बिजनेस है, अलग अलग देशों में बिजनेस है, कि भाई हम तो धंधा सिर्फ इंडिया में नहीं करते, हम तो धंधा यूएसए, यूरोप, जापान, मलेशिया, अलग अलग देशों में करते हैं, तो भैया मेरे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने का, क्योंकि जो इंडिया में धंधा करूंगा मैं, वहां मेरे पास कम अपॉर्चुनिटी रहेगा फ्रॉड करने का, बट जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स में धंधा दिखाऊंगा मैं, वहां मेरे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगा फ्रॉड करने का, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरनेशनल बॉर्डर्स में ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। ये एक अच्छा पॉइंट हो गया। फिर मान लीजिए मेरी अलग अलग जो बिजनेस इंटरमीडियरीज है, मेरी बहुत सारी बिजनेस इंटरमीडियरीज है, मेरी बहुत सारी बिजनेस इंटरमीडियरीज है जिनके थ्रू मैं बिजनेस करता हूं, ठीक है, मैं दिखा रहा हूं कि भाई मेरी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, एसोसिएट्स हैं जिनके थ्रू मैं बिजनेस करता हूं, बट दिखाने को मैं दिखा रहा हूं कि ये मेरा बिजनेस इंटरमीडियरी है, बट मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैंने दिखाया कि मेरी 50 सब्सिडरीज हैं, एक कंपनी ने दिखाया कि उसकी 50 सब्सिडीज हैं और 50 सब्सिडीज के थ्रू बिजनेस करती है, लेकिन कोई क्लियर कट जस्टिफिकेशन है ही नहीं 50 सब्सिडीज होने का, कि किस वजह से 50 सब्सिडीज है। तो मतलब वहां भी क्या है कि वो एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इतने सारे सब्सिडरीज के थ्रू, इतने सारे इंटरमीडियरीज के थ्रू फ्रॉड कर सकती है। और एक लास्ट वाला पॉइंट बड़ा ही मजेदार है, बोला कि आपके ब्रांचेस टैक्स हेवन ज्यूरिस्डिक्शंस में है, ये आपके सब्सिडरी के ब्रांच, सब्सिडरी के जो बैंक अकाउंट्स है वो टैक्स हेवन ज्यूरिस्डिक्शंस में है। एक कंपनी है जिसके बहुत सारे ब्रांचेस ना टैक्स हेवन ज्यूरिस्डिक्शंस में है। टैक्स हेवन ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसे देश जहां टैक्स रेट या तो टैक्स लगता ही नहीं है, या तो टैक्स बहुत कम लगता है। ऐसे देश जहां टैक्स लगता ही नहीं है, या टैक्स बहुत कम लगता है, या टैक्स लॉस बहुत ही वीक है, ठीक है। तो बोला कि आपकी जो सब्सिडरीज है ना, वो ऐसे देश में ऑपरेट कर रही है जो टैक्स हेवन ज्यूरिस्डिक्शंस है, जहां पे टैक्स लगता ही नहीं है। आप क्या करोगे, ज्यादातर प्रॉफिट उन देशों में डाइवर्ट कर दोगे जो टैक्स हेवन ज्यूरिस्डिक्शंस है, आप दिखाओगे ज्यादा प्रॉफिट तो वहां से आया है। तो अगर आपके सब्सिडरीज ऐसी जगह पे बैठी हैं जो टैक्स हेवन ज्यूरिस्डिक्शंस है, वहां आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने का। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी है? मेरे पास रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत सारा है, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने का। मेरा स्ट्रॉन्ग मार्केट में प्रेजेंस है, मैं शक्तिशाली हूं, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने का। मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर ऐसा है कि जजमेंट बेस्ड है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने का। कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन बहुत सारा है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है बहुत फ्रॉड करने का। मल्टीपल देशों में मेरी बिजनेस है, तो अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने का। मेरे ब्रांचेस टैक्स हेवन ज्यूरिस्डिक्शन में है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने का। मेरे पास बहुत सारे बिजनेस इंटरमीडियरीज हैं, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने का। अब फ्रॉड है नहीं है जरूरी नहीं है, बट अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने का। फिर आता है एटीट्यूड पब्लिक रैशनलाइजेशन, एटीट्यूड पब्लिक रैशनलाइजेशन। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है सर? एथिकल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज। अब मान लो यार से कंपनी का ना पुराना हिस्ट्री रहे, या कंपनी के मैनेजमेंट का, डायरेक्टर्स का, प्रमोटर्स का पुराना हिस्ट्री रहे कि ये लोग तो कांड करते आए हैं, फ्रॉड करते आए हैं, सेक्युरिटी लॉ कभी ना कभी वायलेट किया था, तो वो क्या दिखा रहा है? ये एक इंडिकेटर है फ्रॉड का, वो एक इंडिकेटर है फ्रॉड का। या कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो एक्सेसिव इंटरेस्ट ले रही है, क्या चीज में इंटरेस्ट ले रही है? एटीट्यूड ही ऐसा है कि हम किस तरीके से अपनी अर्निंग भरा सकते हैं, किस तरीके से स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से टैक्स को सेव कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में है यार? कि हम कैसे प्रॉफिट भराएं, हम कैसे प्रॉफिट कम करें, हम कैसे स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट करें। तो वो एक इंडिकेटर है फ्रॉड का। मतलब तुम एज ऑडिटर जब मैनेजमेंट से बात करते हो ना, तो उसका बहुत सारा इंटरेस्ट किस चीज में होता है? अरे ऑडिटर साहब, प्राइजेस को कैसे भराया जाए, कैसे कम किया जाए, ईपीएस कैसे भराएं, ईपीएस कैसे कम करें, टैक्स कैसे भराएं, टैक्स कैसे घटाएं। तो वो एक फ्रॉड का इंडिकेशन है। एटीट्यूड वैसा है ना, तुम किसी ऐसे आदमी के साथ मिलते हो जिसको बॉम्ब बनाने का बहुत इंप्लीकेशन है, बॉम्ब कैसे बनाना है, बॉम्ब के लिए मेटल कहां से मिलेगा, तो तुमको क्या लगेगा? पक्का ये टेररिस्ट है। एक इंडिकेशन मिलेगा कि वो आतंकवादी है, क्योंकि उसका एटीट्यूड वैसा है। तो अगर मैनेजमेंट का भी वैसा एटीट्यूड है, तो तुमको क्या मिलेगा? एक इंडिकेशन मिलेगा कि शायद एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। मैनेजमेंट का एटीट्यूड ही ऐसा है। मान लो तुमने इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज पॉइंट आउट करी, तुमने बताया मैनेजमेंट को, देखो देखो ये कमी है कंट्रोल में। मैनेजमेंट बोलता है कमी है तो होने दो यार, मुझे क्या मतलब। तो मैनेजमेंट का एटीट्यूड ही ऐसा है यार, उसको कुछ पड़ा ही नहीं है, कंट्रोल खराब है, अच्छा है, उसको कुछ पड़ा ही नहीं है। मैनेजमेंट का एटीट्यूड ही वैसा है, ठीक है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड ही वैसा है। तो वो भी एक कारण है, मतलब वो भी एक पॉइंट हो गया, एटीट्यूड का पॉइंट हो गया। तुमको लग रहा है कि मैनेजमेंट का ना इंटरेस्ट है कि किसी भी तरीके से टैक्स कम किया जाए, खाली तुमसे पूछता रहता है मैनेजमेंट, ऑडिटर साहब टैक्स कैसे कम करें, ऑडिटर साहब अर्निंग्स को कैसे कम करें। तो एटीट्यूड ही वैसा है, मतलब तुमको दिख रहा है कि मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है कि प्रॉफिट को कैसे भराना है, तो वो भी दिखा रहा है कि एटीट्यूड है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर का इंडिकेशन है। मैनेजमेंट का एटीट्यूड ऐसा है कि वो टैक्स कम करना चाहता है, वो भी एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर का इंडिकेशन है।
मैनेजमेंट कंट्रोल की डेफिशिएंसी में सीरियसली काम नहीं करता, वो भी एक फ्रॉड रिस्क इंडिकेशन है। लो मॉरल अमंग सीनियर मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट जो है ना उनके मॉरल वैल्यूज नहीं है, मतलब एकदम तुमको दिख रहा है कि यार मॉरल वैल्यूज के नाम से कुछ नहीं है, सारे लोगों का करेक्टर ढिल्ला है, सारे करेक्टर ढिल्ले वाले लोग हैं, तो भाई वहां भी तुमको समझ में आता है फ्रॉड रिस्क फैक्टर इनका एटीट्यूड ही वैसा है। ओनर मैनेजर कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं करते पर्सनल बिजनेस ट्रांजैक्शन में। तुम क्या देख रहे हो कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स वगैरह है ना, उनको लगता है जो बिजनेस का है अपना है, जो बिजनेस का है वो अपना है, कंपनी का कार अपना कार, कंपनी का मकान अपना मकान, कंपनी की जमीन अपनी जमीन। तो भाई वो कोई डिस्टिंक्शन करते ही नहीं, तुमको देख के पता चल रहा है यार इनका एटीट्यूड ही ऐसा है यार, ये तो कंपनी का सब कुछ अपना ही मानता है, ये तो कुछ डिस्टिंक्शन ही नहीं करते, इनका तो एटीट्यूड ही ऐसा है कि ये तो ये चीज समझते ही नहीं है कि जो मेंबर का है जो कंपनी का है वो उनके मेंबर्स का है, ये तो क्या समझते हैं कि जो कंपनी का है वो अपना है, तो इनका एटीट्यूड ही ऐसा है। ठीक है, तुमने देखा मान लो यार ऐसे जो मैनेजमेंट है ना उसका पुराने ऑडिटर के साथ रिश्ता खराब हुआ था, पुराने ऑडिटर के साथ रिश्ता खराब हुआ था या करंट ऑडिटर्स के साथ रिश्ता खराब हुआ था, क्यों हुआ था पता है क्यों हुआ था? क्योंकि उनका एटीट्यूड वैसा है यार, उनका एटीट्यूड वैसा है, ऑडिटर के स्कोप में लिमिटेशन लगा रहे हैं, ऑडिटर को एक्सेस नहीं दे रहे हैं, ऑडिटर के ऊपर अनरीजनेबल प्रेशर लगा रहे हैं, स्कोप ऑफ वर्क को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो भाई फ्रॉड रिस्क फैक्टर का इंडिकेशन है, भाई फ्रॉड रिस्क फैक्टर का इंडिकेशन है। तो एटीट्यूड रेशनलाइजेशन के अंदर आ गया ये सारा चीज, एथिकल बिहेवियर, मैनेजमेंट क्या कर रही है सर, मैनेजमेंट जो पुराना हिस्ट्री है कंपनी के डायरेक्टर्स का मैनेजमेंट का वो सेक्रेटरी लॉस को वायलेट करने का है, कंपनी एक्सेसिव इंटरेस्ट दिखा रही है कि कैसे हम प्राइसेस को ऊपर करें शेयर का या कैसे प्राइसेस को नीचे करें, कंपनी क्या कर रही है किसी भी तरीके से अनरियलिस्टिक टारगेट्स को मीट करना चाह रही है, कंपनी किसी भी तरीके से अनरियलिस्टिक टारगेट्स को मीट करना चाह रही है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी वही है, कंपनी का रवैया क्या है यार कंट्रोल में डेफिशिएंसी है तो है हम क्या करें, कंपनी का रवैया क्या है यार किसी भी तरीके से ऑडिटर के स्कोप में लिमिटेशन लगाएं, कंपनी का रवैया क्या है कि भाई जो मैनेजमेंट है उनको कुछ समझ ही नहीं आता कि पर्सनल बिजनेस के बीच कुछ डिफरेंस भी है, तो ये सारा क्या है एटीट्यूड है यार, उनका रवैया ही ऐसा है यार बेकूफ लोग हैं एकदम, पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शन के बीच का डिफरेंस समझ नहीं आता, कंट्रोल की कमी है तो है तो है, उनका खाली ऑब्जेक्टिव है ईपीएस भराने का, कम करने का, टैक्स इवेड करने का, पुराने ऑडिटर के साथ भी रिश्ता इस वजह से खराब हो गया था, तो ये सारा क्या है एटीट्यूड है, ये सारा क्या है एटीट्यूड है, एक बार रीड कर लेना जितना याद हो जाए ठीक है, जितना याद हो जाए ठीक है। और उसके बाद है आपका रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू मिस अप्रोप्रिएशन अराइजिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, ये बहुत आसान है, अब यहां पे छोटे लेवल पे बात हो रही है, इंसेंटिव ऑब्लिक प्रेशर, इंसेंटिव ऑब्लिक प्रेशर, ठीक है। तो पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो सकते हैं, पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो सकते हैं जिसकी वजह से मैनेजमेंट या एम्प्लॉइज दबाव में है कि हम किस तरीके से कुछ एसेट्स की चोरी कर लें, पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो सकते हैं, भाई मेरी पर्सनल ईएमआई है, अगर मैंने अपना पर्सनल ईएमआई नहीं भरा तो वो लोग आएंगे और मेरा कार लेके चले जाएंगे, मैं बहुत पर्सनल प्रेशर में हूं, सैलरी उतनी है नहीं, मैं क्या करूं, मैं किसी एसेट को चुरा लेता हूं, ठीक है, मेरे घर में कोई बीमार है, मैं क्या करूं, मुझे पैसे चाहिए, मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए, मैं किसी एसेट को चुरा लेता हूं, तो पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। या फिर एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड एम्प्लॉइज, एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड एम्प्लॉइज, अगर एंटिटी एंड एम्प्लॉइज के बीच एडवर्स रिलेशनशिप है, खराब रिलेशनशिप है, तब उस वजह से भी एम्प्लॉय अपने खुंदक निकालने के लिए क्या कर सकता है, एसेट को चुरा सकता है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हो गया सर, कंट्रोल्स वीक है, कंट्रोल्स वीक है, पता चला यार कंपनी क्या कर रही है, खुद अपॉर्चुनिटी दे रही है, एक हॉनेस्ट आदमी बिना डिसहॉनेस्ट बन सकता है अगर उसको एकदम ओपन अपॉर्चुनिटी मिल जाए, पता चला 50 लाख का कैश ऐसे ही रखा रहता है, भाई कोई कंट्रोल नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, 50 लाख का कैश ऐसे ही रखा रहता है, ठीक है। मानो लारस से एक ज्वेलरी सेक्टर है और पता चला कि वो जो ज्वेलरी सेक्टर है, वो जो ज्वेलरी शॉप है, वहां पे महंगे महंगे डायमंड्स, महंगे महंगे रिंग्स ऐसे रहते हैं भाई सामने, कोई कंट्रोल नहीं, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, एक और छोटे छोटे और छोटे छोटे जो रिंग्स है ना, मतलब तुम सोचो छोटे छोटे रिंग का दाम है 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए प्योर डायमंड, ठीक है, छोटा साइज, हाई डिमांड, हाई वैल्यू, और कोई कंट्रोल नहीं, तुमको पता है कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, बताओ मन डोलेगा कि नहीं डोलेगा, 5 लाख का कैश ऐसे ही रखा है, कोई कैमरा नहीं, कोई गार्ड नहीं, मन डोलेगा कि नहीं डोलेगा, ठीक है। तो बोला फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटीज टू मिस अप्रोप्रिएट एसेट्स इंक्रीज व्हेन देयर आर द फॉलोइंग, लार्ज अमाउंट ऑफ कैश ऑन हैंड ऑन प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री आइटम्स जो कि छोटा साइज में, हाई वैल्यू है, हाई डिमांड है, मतलब छोटा साइज में लेके जाना इजी,
वैल्यू बहुत ज्यादा, डिमांड बहुत ज्यादा, इजिली बिकेगा, इजिली कन्वर्टेबल एसेट्स, एसेट्स कन्वर्ट भी हो जाएगा, मजे की बात है, कन्वर्ट भी हो जाएगा, कन्वर्टेबल बॉन्ड मिल गया, तुम जाओगे कन्वर्ट करा लोगे, तुमने रिंग उठा लिया, जाके तुम क्या करोगे, उसको दूसरे ज्वेलरी शॉप में बेच दोगे या फिर उसको कन्वर्ट करा लोगे, तुम उसका शेप चेंज करा लोगे। ऐसे फिक्स एसेट जो कि बहुत छोटे हैं साइज में, मार्केटेबल है, इजिली बिक जाएगा, छोटा सा साइज में पेन ड्राइव उठाया पॉकेट में डाला, मार्केटेबल है, इजिली बिक गया, और पेन ड्राइव का कोई वो नहीं है, मतलब कोई ऑब्जर्वेबल आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है कि इसका ओनर कौन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। तुमने एक रिंग उठाया, तुम रिंग उठा के गए, तुमने बेच दिया, एक तो स्मॉल इन साइज है, मार्केटेबल है, एंड उसका असली मालिक कौन है फिगर आउट करना बहुत मुश्किल है। तो ये क्या होगी अपॉर्चुनिटी, ये क्या होगी सारा का सारा अपॉर्चुनिटी। बोला अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत वीक है, दैट में इंक्रीज द सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। कंट्रोल्स बहुत वीक है, अब कंट्रोल्स बहुत वीक के एग्जाम्पल्स दे दिए यहां पे, कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, मैनेजमेंट ध्यान नहीं रखता है, मैनेजमेंट सुपरवाइज नहीं करता है, मैनेजमेंट एसेट्स का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता है, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, मैनेजमेंट ओवरसाइट नहीं करता है, मैनेजमेंट सुपरवाइज नहीं करता है, मैनेजमेंट क्या नहीं करता, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करता है एसेट्स का, मैनेजमेंट प्रॉपर रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं करता है एसेट्स का, ऑथराइजेशन का कोई सिस्टम ही नहीं है क्लाइंट के वहां पे, पता चला कंपनी के वहां पे ऑथराइजेशन का कोई सिस्टम ही नहीं है। अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, प्रॉपर सिस्टम होता है ऑथराइजेशन का, कि बियॉन्ड अ सर्टेन अमाउंट ट्रांजैक्शन होगा तो कौन ऑथराइज करेगा। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होता है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हर एक एक्सपेंडिचर का पाई पाई का हिसाब होता है, कि भैया तुमको कोई एक्सपेंडिचर का रिइंबर्समेंट चाहिए तो तुमको एक एक डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, एक एक वाउचर जमा करना पड़ेगा, तब जाके तुमको रिइंबर्समेंट मिलेगा। ठीक है, तो बड़े बड़े एम्प्लॉय में ये सारी चीजें होती हैं, बट मान लो ये सारी चीजें है ही नहीं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, मैनेजमेंट बिल्कुल ऑवरसाइट करते ही नहीं एक्सपेंडिचर का, जो एम्प्लॉय रिइंबर्समेंट मांग रहा दे दिया, डॉक्यूमेंट तक चेक नहीं किया, रिकॉर्ड्स एसेट के ढंग से मेंटेन नहीं करे, कोई ऑथराइजेशन का सिस्टम नहीं है, कोई फिजिकल सेफगार्ड नहीं है कैश के ऊपर, इन्वेंटरी के ऊपर, कोई गार्ड नहीं बैठा हुआ, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ, तो ये सारा क्या है अपॉर्चुनिटी है, ये सारा क्या है अपॉर्चुनिटी है। ट्रांजैक्शंस का डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं करते, तो ये सारा क्या है अपॉर्चुनिटी है। राइट, एडिक्युएट एक्सेस कंट्रोल्स नहीं है ओवर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, तो एक्सेस कंट्रोल्स वीक है, तो अगर एक्सेस कंट्रोल्स वीक है तो वो भी क्या सर एक अपॉर्चुनिटी है। मान लो लेट अस से आईटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट को आईटी की नॉलेज ही नहीं है, मैनेजमेंट को आईटी की नॉलेज ही नहीं है, तो एम्प्लॉयज के लिए तो बहुत आसान होगा मैनेजमेंट को मामू बनाना, क्योंकि उनको तो आईटी की नॉलेज ही नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत आसान होगा मैनेजमेंट को मामू बनाना। राइट, लैक ऑफ मैंडेटरी वैकेशन फॉर एम्प्लॉयज परफॉर्मिंग की कंट्रोल फंक्शंस, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मेरा फेवरेट पॉइंट है। तुमको पता है इंटरनल चेक का एक सिस्टम होता है, कि इंटरनल चेक के अंदर क्या होता है कि बोला जाता है कि एक इंटरनल चेक सिस्टम अच्छा तब माना जाता है अगर आप एम्प्लॉयज को ना मैंडेटरी बेसिस में लीव अलॉट करो, कि आपको मैंडेटरी बेसिस में क्या करना है सर, लीव लेना है, आपको मैंडेटरी बेसिस में क्या करना है, लीव लेना है, आपको मैंडेटरी बेसिस में क्या लेना सर, लीव लेना है, एम्प्लॉयज को छुट्टियों में भेजो, मैंडेटरी बेसिस में छुट्टी में भेजो, ताकि एम्प्लॉय बदमाशी ना कर पाए, अगर ज्यादा टाइम तक तुम छुट्टी नहीं दोगे ना एम्प्लॉय को, वो बदमाशी करेगा। लेकिन अगर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्प्लॉयज के लिए मैंडेटरी वैकेशन प्रोवाइड ही नहीं करता, कोई छुट्टी का सिस्टम ही नहीं है, तब वो भी एक इंडिकेशन है, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयज के लिए कि वो चोरी कर सकते हैं। तो यूनिक पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, बाकी तो देख के समझ में आता है। अच्छा, सेग्रीगेशन नहीं है, ओवरसाइट नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं कर रहे, जॉब स्क्रीनिंग नहीं कर रहे, ठीक है ना, आईटी समझ में नहीं आता है, एक्सेस कंट्रोल्स वीक है, तो देख के समझ में आता है कि ठीक है यार, यहां पे ना फ्रॉड रिस्क फैक्टर है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी। बट ये वाला जो पॉइंट है ना, बहुत अच्छा पॉइंट है, पॉइंट नंबर जे। और फिर बोला एटीट्यूड, फिर बोला एटीट्यूड। अब एटीट्यूड ही ऐसा है, एम्प्लॉयज का एटीट्यूड ही ऐसा है कि यार एटीट्यूड ही वैसा, देख के पता चलता है, दे आर लिस्ट कंसर्न अबाउट कंट्रोल्स, देयर एटीट्यूड इज दैट दे आर नॉट हैप्पी विद द एंटिटी, बॉस को गालियां दे रहे हैं, एंटिटी से खुश नहीं है, या फिर चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ लाइफस्टाइल, चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ लाइफस्टाइल दैट मे इंडिकेट दैट एसेट्स हैव बीन मिसअप्रोप्रिएटेड। एम्प्लॉयज का एटीट्यूड ही ऐसा है, भाई बीएमडब्ल्यू में आ रहे हैं, बाइक में आ रहे हैं, सैलरी है 20,000 और लेके घूम रहे हैं एकदम बुलेट बाइक, तो भाई सैलरी है 20,000 बुलेट बाइक लेके घूम रहे हैं और साथ में iPhone 2 लाख रुपए का हाथ में, तो कैसे आ रहा है भाई इतना सारा पैसा, लाइफस्टाइल एटीट्यूड वैसा है। ठीक है ना, तुमने कंट्रोल की डेफिशिएंसी के बारे में बोली, कोई कुछ ध्यान नहीं दे रहा, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर बॉसेस, तो एटीट्यूड भी वैसा है। छोटा मोटा चोरी कर रहे हैं एम्प्लॉय, मैनेजमेंट बोलता कोई बात नहीं जी,
छोटा मोटा चोरी कर रहा है, मैनेजमेंट बोलता है कोई बात नहीं, तुमने बोला छोटी मोटी चोरी हो रही है, मैनेजमेंट ने बोला कोई बात नहीं यार चुरा लिया तो चुरा लिया। तो आज वो जो छोटी मोटी चोरी है ना जिसको टॉलरेट किया जा रहा है, कल को वही बड़ी चोरी बन जाएगी। टॉलरेंस ऑफ पेटी थेफ्ट, एटीट्यूड ऑब्लिक रैशनलाइजेशन। तो बहुत प्यारे पॉइंट्स है सारे के सारे, ठीक है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, बड़ा प्यारा एरिया। तो भाई कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी, कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी, और कुछ चीजें ऐसी होंगी पार्टिकुलरली कि आपको याद करनी होंगी। एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, दे कैन आस्क यू एनी पार्टिकुलर एग्जांपल एंड यू हैव टू फिगर आउट कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स है या फिर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है और कौन से कैटेगरी में जाएगा। और पार्ट ए के अंदर अपना एक लास्ट टॉपिक है यहां पे, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस रिलेटिंग टू पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, या कौन कौन से कंडीशंस या इवेंट्स है जिसकी वजह से फ्रॉड की संभावना बढ़ती है। व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस रिलेटिंग टू पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, या फिर क्या क्या कंडीशंस या इवेंट्स है जिसकी वजह से फ्रॉड की संभावना बढ़ती है। तो बोला कि अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कुछ भी कमियां हैं, तो वो एक इंडिकेटर है, वो एक कारण है जिसकी वजह से फ्रॉड आपको नजर में आ रहा है। एक सर्कमस्टेंस है, एक इवेंट है दैट इज गिविंग राइज, दैट इज गिविंग यू नो दैट इज एक्चुअली क्रिएटिंग दैट पॉसिबिलिटी कि भैया फ्रॉड होने की संभावना है, क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड में डिस्क्रिपेंसी है, रिकॉर्ड्स मिसिंग है, कुछ ट्रांजैक्शंस अनऑथराइज्ड है, या फिर एविडेंसेस मिसिंग है, डॉक्यूमेंट्स ऑल्टर्ड है, कागज बीच में गायब है, एसेट की चोरी हुई हुई है, या फिर अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच रिश्ता खराब है, मैनेजमेंट ऑडिटर के बीच रिश्ता खराब है। क्यों रिश्ता खराब है भाई? रिश्ता खराब होने का कुछ कॉमन कारण क्या होता है? कि ऑडिटर इंफॉर्मेशन मांग रहा है, मैनेजमेंट ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, या फिर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में बहुत डिले कर रहा है, ठीक है, या फिर प्रेशराइज कर रहा है ऑडिटर को कि आप रिपोर्ट जल्दी सबमिट करो। तो ऑडिटर क्या कर रहा है? इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, एक तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं कर रहा, ऊपर से क्या कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है ऑडिटर को कि आप रिपोर्ट जल्दी सबमिट करो। तो उसकी वजह से क्या है? रिलेशन खराब है। उसकी वजह से क्या है? रिलेशन खराब है। एंड अदर्स, मैनेजमेंट इज नॉट अलाउिंग ऑडिटर टू मीट विद TCWG, मैनेजमेंट ऑडिटर को अलाउ नहीं कर रहा TCWG से बात करने के लिए। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, तो इस तरीके से ये भी एक कारण हो सकता है। तो सर्कमस्टेंसेस रिलेटिंग टू द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, एदर इट कैन बी द डिस्क्रिपेंसेस इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट अराइजेस ड्यू टू इम्प्रॉपर रिकॉर्डिंग, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस, लास्ट मिनट एडजस्टमेंट्स, कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंसेस, जैसे कि मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हो गए, ऑल्टर डॉक्यूमेंट्स हो गए, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो गया, अनएक्सप्लेन्ड आइटम्स हो गया, मिसिंग इन्वेंट्री हो गया, अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, जैसे कि अनड्यू टाइम प्रेशर, अनयूजुअल डिले इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, अनविलिंगनेस टू एड्रेस वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल्स, या फिर अदर्स, जैसे कि मैनेजमेंट इज नॉट अलाउंग द ऑडिटर टू मीट विद TCWG। अच्छा एक चीज देखना सर, ये जो पॉइंट नंबर 3 है, अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर के अंदर भी आया था, ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर के अंदर भी आया था। बता सकते हो कहां आया था? फ्रॉड रिस्क फैक्टर के अंदर भी आया था। बता सकते हो कहां आया था? तो ये आया था हमारे एटीट्यूड के अंदर, ये आया था हमारे एटीट्यूड के अंदर इन द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि अगर मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच रिश्ता खराब है, क्योंकि मैनेजमेंट ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, टाइमली प्रोवाइड नहीं कर रहा, प्रेशराइज कर रहा है जल्दी रिपोर्ट सबमिट करो, तो क्या इंडिकेट कर रहा है? मैनेजमेंट का एटीट्यूड ऐसा है, रवैया ऐसा, शायद वो लोग फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। तो वो एक फ्रॉड का इंडिकेशन, वो एक फ्रॉड का इंडिकेशन तो ही है, और यहां पे वो क्या था? एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर भी था। वो क्या था सर? एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर भी था। तो ये हो गया अपना पार्ट ए ऑफ द स्टैंडर्ड, पार्ट ए ऑफ द स्टैंडर्ड। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा टेक्निकल है ना, बट अगर आपने ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है, इट इज सिंपल। एक बार मैं एडवाइस करूंगा इस पार्टिकुलर लेक्चर को एक बार दोबारा से देख लो, और उसके बाद अपन आगे भरेंगे विद द नेक्स्ट पार्ट।